जी, यहीं पे छोड़ा था ना कल हमने? जी सर। ओके, तो ये जनाब 10 के 10 नॉलेज एरियाज, यहाँ पे 9 शो हो रहे हैं ये नॉलेज एरियाज। और फिर जो ये मैक्स वाइडमैन ने ये दिया हुआ है, मैक्स वाइडमैन ने अपनी किताब में वेरी ब्रीफली इनको डिस्कस किया है, टिपिकल फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोलेबल रिस्क आइटम्स। कहता है पीएम इंटीग्रेशन में जो रिस्क इवेंट्स हैं वो इनकरेक्ट स्टार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पीएम रिलेटिव टू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हो सकते हैं, कि मतलब आप इंटीग्रेशन का अमल जो है वो सही तरह स्टार्ट नहीं कर पाते। इसकी रिस्क कंडीशन इनएडिक्वेट प्लानिंग हो सकती है, इंटीग्रेशन और रिसोर्स एलोकेशन, एनीथिंग विच रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपरली डिटर्मिनिंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, एनीथिंग विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। और लाजमी बात है इंटीग्रेशन के रिस्क होंगे तो हायर लेवल होंगे। दूसरा वो कहता है जी इनएडिक्वेट और लैक ऑफ पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू, प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद जो हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, लेसन लर्न करते हैं, वो ना करना भी एक प्रॉब्लम है, उससे भी रिस्क राइज होते हैं। स्कोप के हवाले से, चेंजेस इन स्कोप टू मीट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब रेगुलेटरी चेंजेस जो हैं वो आप बीच में नहीं डालते। रिस्क कंडीशंस क्या हो सकती हैं, इनएडिक्वेसी ऑफ प्लानिंग आर प्लानिंग लीड टाइम, पुअर डेफिनेशन ऑफ स्कोप ब्रेकडाउन आर वर्क वर्क पैकेजेस, इनकंसिस्टेंट इनकम्प्लीट आर अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स और इनएडिक्वेट स्कोप कंट्रोल ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने 6th एडिशन में, सॉरी ये स्टैंडर्ड में किया है रिस्क में, उससे ये बातें ज्यादा ज्यादा बेहतर है। उसमें इन्होंने कंफ्यूज ज्यादा कर दिया, वो जो उन्होंने बना दिए हैं अपना प्रोजेक्ट रिस्क इंटीग्रेशन और स्कोप और ये और वो, पांच पांच छह छह बना दिए हैं, उसके अंदर रेपिटेशन बहुत ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे उसने स्कोप को डिफाइन कर दिया। क्वालिटी में कहता है जी परफॉर्मेंस फेलियर्स और एनवायरमेंटल इंपैक्ट होते हैं इसके इवेंट्स, और कंडीशंस इसकी होती हैं पुअर एटीट्यूड टू क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड डिजाइन मटेरियल और वर्कमैनशिप, इनएडिक्वेट क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, ये उसके अंदर मेजर आइटम्स हैं। टाइम के हवाले से स्पेसिफिक डिलेज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्राइक्स हों, लेबर और मटेरियल अवेलेबिलिटी, एक्सट्रीम वेदर या रिजेक्शन ऑफ वर्क। रिस्क कंडीशंस क्या हो सकती हैं, एरर्स इन एस्टिमेटिंग टाइम और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, पुअर एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लोट, स्कोप ऑफ वर्क चेंजेस विदाउट ड्यू अलाउंस फॉर टाइम एक्सटेंशन एंड एक्सेलरेशन, अर्ली रिलीज ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट। क्या आप देख लें, मैक्स वाइडमैन आज से काफी साल पहले, कुछ 10-15 साल पहले ये बात कर गया है, और ये अभी ये लोग अपने स्टैंडर्ड में डाल रहे हैं। फिर जनाब कॉस्ट के हवाले से कहते हैं इंपैक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट, अनप्रिडिक्टेबल प्राइस चेंजेस हो सकती हैं ड्यू टू सप्लाई शॉर्टेजेस। फिर जनाब रिस्क कंडीशंस इसकी हैं एस्टिमेटिंग एरर्स इंक्लूडिंग एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रिडिक्टेबल प्रॉब्लम्स, इनएडिक्वेट प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट चेंज आर कंटिजेंसी कंट्रोल, पुअर मेंटेनेंस, सिक्योरिटी परचेजेस एक्सेट्रा। रिस्क रिस्क के क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अ रिस्क, चेंजेस इन द वर्क नेसेसरी टू अचीव द स्कोप, रिस्क की कंडीशंस क्या हैं, इग्नोरिंग रिस्क आर एज्यूमिंग इट अवे, इन अप्रोप्रिएट और अनक्लियर असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क टू एम्प्लॉइज और कॉन्ट्रैक्टर्स, पुअर इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ये आपका रिस्क ट्रांसफर के हवाले से, इन अप्रोप्रिएट और अनक्लियर कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट ऑफ रिस्क, ये भी ट्रांसफर के हवाले से, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोक्योरमेंट में कॉन्ट्रैक्ट इंसॉल्वेंसी हो सकती है, क्लेम्स की सेटलमेंट और लिटिगेशन हो सकती है। रिस्क की कंडीशन है अन इनफोर्सेबल कंडीशन और क्लाजेस, आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्लाजेस डाल दी हैं जो बिला वजह है, उनको उनको इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता। इनकॉम्पिटेंट और फाइनेंशियली अनसाउंड वर्कर्स आर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये तो ये घर घर की कहानी है पाकिस्तान में। एडवर्सरियल कंडीशंस हैं इन अप्रोप्रिएट और अनक्लियर कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट ऑफ रिस्क, मतलब लोगों को ये पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रिस्क ट्रांसफर करना है, मगर कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं होगा, अनक्लियर कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट होंगी रिस्क के हवाले से, तो लाजमी बात है उसका फायदा ही नहीं हम उठा सकेंगे। रिसोर्सेज के हवाले से स्ट्राइक्स, टर्मिनेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन, रिस्क कंडीशन है कंफ्लिक्ट नॉट मैनेज्ड,
ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ आर एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदरवाइज एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, पुअर यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप आर वेसिलेटिंग मैनेजमेंट स्टाइल और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग आर अवॉइडिंग रिस्क. कम्युनिकेशन में इनएक्शन आर वर्क रॉन्ग एक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन आर कम्युनिकेशन फेलियर. रिस्क कंडीशंस हैं केयरलेसनेस इन प्लानिंग आर इन कम्युनिकेटिंग, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ एडिक्वेट कंसल्टेशन विद प्रोजेक्ट्स पब्लिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ये अभी आप देखें कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किए गए हैं एज कंपेयर टू जो स्टैंडर्ड में उन्होंने दिए. बट एनीवेज आप उस स्टैंडर्ड वाले पॉइंट्स को दोबारा जाके पढ़ें तो आपको शायद थोड़ा उसमें और फ्रूट मिले, लेकिन मेरे ख्याल में इधर ज्यादा बातें हैं और ज्यादा सिंपल तरीके से लिखी हुई हैं. फिर रिस्क एटीट्यूड के हवाले से कहते हैं, ये अपना रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रैक्टिस स्टैंडर्ड था उसकी बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का. कहते हैं एक्सटेंड टू विच एन इंडिविजुअल रिस्क और ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क मैटर्स, अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रिस्क एटीट्यूड. क्या चीजें रिस्क एटीट्यूड को करती हैं, प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा प्रोजेक्ट है विद इन द रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स ओवरऑल एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक कमिटमेंट मेड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट. आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये अल्टीमेटली इसका ऑडियंस कितना बड़ा है, स्टेक होल्डर की सेंसिटिविटी क्या है टू इश्यूज लाइक एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो मतलब सॉरी आपको बात करती हूँ, ये सेकंड वाला पॉइंट जो है मैंने हर जगह पढ़ा है, पब्लिक कमिटमेंट, पब्लिक कॉन्फिडेंस और पब्लिक अनाउंसमेंट, ये इसका थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड कुछ बताएं प्लीज अगर माइंड में करें. देखिए जी बात ये है कि एक काम आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक काम कर रही है जिसमें पब्लिक का कोई फायदा नहीं है और पब्लिक उस काम को एबहोर कर रही है, पसंद नहीं कर रही है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स पब्लिक की तरफ से रिजेक्ट हो जाते हैं. ठीक है जी. और जैसे वो अपनी वो क्या कहते हैं 5,01,00,00 नौकरियां और 5 अरब दरख्त और ये क्या कहते हैं डैम और फलाना, ये वो अलग चक्कर है. मेरा मतलब है उन चीजों को बेहतर तरह से मैनेज किया जा सकता था अगर उन्हें परसू किया जाता. आप एक इनिशिएटिव उठा के आप उसको फिर परसू ही ना कर पाए या तो वादा ना करें. बात ये कि वो टारगेट सारे के सारे अचीवेबल थे और डूएबल थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो हो नहीं सकता था, वो सब कुछ जो उसने कहा था वो हो सकता था और पब्लिक भी तैयार बैठी थी, पब्लिक भी कमिटेड थी. तो सवाल ये है कि आप अपनी किसी मजबूरी की वजह से अगर वो काम नहीं कर सकते तो पब्लिक का कमिटमेंट हट जाएगा उसकी तरफ से, एतमाद खत्म हो जाता है ना, वो वाली बात आ जाती है. तो एटीट्यूड जो है वो इस तरह से बिल्ड होते हैं आपके स्टेक होल्डर, क्योंकि याद रखिए पब्लिक भी आपके स्टेक होल्डर हैं तो उनको भी आपने ऑन बोर्ड रखना है. ओके. यूजुअली रिजल्ट इन आर डिजायर्ड फॉर इंक्रीज सर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट आउटकम्स, दे एक्सप्रेस अ प्रेफरेंस फॉर वन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ओवर अनदर, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. आपके जो एटीट्यूड होते हैं रिस्क के वो आपके माहौल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, आपकी प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करते हैं, आप सर्टेनिटी बढ़ाने के लिए जो आपकी ख्वाहिश है उस पर भी डिपेंड करते हैं. इट डिपेंड्स हाउ ओपन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, माहौल आपका कितना खुला है. ठीक है ना, एक तो क्लोज डोर पॉलिसी होती है ना कि जी आई एम द बॉस, मेरे से कोई बात ना करे. कितना ओपननेस है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. रिस्क एटीट्यूड मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड मैनेज प्रोएक्टिवली एंड डेलिबरेटली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. इट मे डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, नेचुरली स्टेक होल्डर हो सकता है सेम हो दो प्रोजेक्ट के, लेकिन एक प्रोजेक्ट में कुछ और एटीट्यूड होगा और दूसरे में कुछ और होगा. ये कोई स्टेक होल्डर का जाती एटीट्यूड नहीं होता, ये उसके उसका रिस्क की तरफ एटीट्यूड होता है. फिर इंटरनेशनल क्रॉस इंडस्ट्री और मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स है. अब आप ये देखें ना, जब कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आता है तो एनवायरमेंट का इशू खड़ा हो जाता है. मतलब वो लोग एनवायरमेंट सेंसिटिव हैं तो वो कहते हैं जी एनवायरमेंट की भी स्टडी करवानी है. हमारे यहाँ एनवायरमेंट की ऐसी की तैसी परवाही कोई नहीं करता. यहाँ पे वो कहते हैं जी कार्बन फुटप्रिंट और फलानी चीज और फलानी चीज, तो वो चीजें जो है वो उसकी वजह से इम्पैक्ट करती हैं जब वो चीजें आती हैं. मिसाल के तौर पर फिडिक का लॉ है, कंस्ट्रक्शन का इंटरनेशनल लॉ है,
और कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, और वो जब पाकिस्तान में इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वहां फिडक का इस्तेमाल करना होता है, फिर सारे रूल्स एक तरफ हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं जैसे ये वाला प्रोजेक्ट हम फिडक के मुताबिक करेंगे, ठीक है, वो जो भी आते हैं वो अपना अपने लॉज और अपने वो चीजें लेके आते हैं। फिर है जी वेरिएशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल चेंज ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये मैक्स वाइडमैन कह रहा है। और यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो वो जेनेरिक साइकिल बता रहा है वो उसकी अपनी साइकिल है, उसके अपने ख्याल में है, इसको आप एज सच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ रिलेट ना करें। तो कहते हैं कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो टिपिकल प्रोजेक्ट की कंसेप्चुलाइजेशन है, डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है और फिर टर्मिनेशन है। कहते हैं जी कंसेप्चुलाइजेशन और डेवलपमेंट के अंदर प्लानिंग होती है और इम्प्लीमेंटेशन और टर्मिनेशन के अंदर रियलाइजेशन और अकम्पलिशमेंट होती है। तो अपॉर्चुनिटी और रिस्क जो है दे रिमेन हाई ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग, जब कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपका रिस्क ज्यादा होता है, अपॉर्चुनिटीज भी और थ्रेट्स भी, और अमाउंट एट स्टेक जो है रिमेन्स लो ड्यूरिंग प्लानिंग। शुरू के वक्तों में अगर कोई रिस्क आ जाए तो उसका नुकसान कम होता है, अमाउंट एट स्टेक उसकी कम होती है। ये उसने जनाब वो चीजें बताया, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, रिस्पॉन्स और डॉक्यूमेंटेशन, ये उसने अपनी फेजेस बनाई हुई हैं रिस्क मैनेजमेंट की। कहता है ये आइटरेटिव प्रोसेस है, सर्कमस्टांसेस चेंज एज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट रिस्क यूजुअली इंक्रीज एज टाइम गोज ऑन, सम रिस्क विल अकर व्हाइल अदर्स विल नॉट, न्यू रिस्क विल अराइज आर बी डिस्कवर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड मे चेंज, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस शुड बी रिपीटेड जैसे कि हम करते हैं एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लान प्रोग्रेसिवली इलेबोरेटेड थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, द आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिस्क शुड बी रिविजिटेड पीरियोडिकली, ठीक है जी। ये तो खैर हमें अंदाजा है ना, हम बार बार ये कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं, प्रोग्रेस ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स एक्शन शुड बी मॉनिटर्ड, एक्शन प्लान शुड बी अकॉर्डिंगली एडजस्टेड, इट मे ऑल्सो बी नेसेसरी टू रिविजिट द रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोसेस, डिवेलपिंग एन इनिशियल रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड रिस्क असेसमेंट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस नॉट द एंड, और उसके बाद एक कॉन्टिन्यूसली सिस्टम चलता रहता है। फ्रीक्वेंसी और डेप्थ के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट कह रहा है कि रिव्यूज एंड अपडेट्स विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, कितना वॉलेटाइल है एनवायरमेंट, आपके तब्दीलियां कितनी ज्यादा होती हैं, और टाइमिंग ऑफ अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिव्यूज एंड अपडेट्स, के हो सकता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ रिस्क की रिपोर्ट जा रही हो तो वो फिर उसके साथ टाई अप करनी पड़ रही हो, तो टाइमिंग उसके साथ देखते हैं, नेचर को देखते हैं, वॉलेटिलिटी को देखते हैं और टाइमिंग ऑफ अदर रिपोर्ट्स देखते हैं। कम्युनिकेशन रिस्क मैनेजमेंट में कैन नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन, लाजमी बात है कम्युनिकेशन प्लान तो एक अलग बना हुआ है, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन प्लान है वो सिर्फ कम्युनिकेशन प्लान नहीं है, वो रिस्क कम्युनिकेशन प्लान भी है, वो स्केड्यूल कम्युनिकेशन प्लान भी है, वो कॉस्ट कम्युनिकेशन, वो हर चीज की कम्युनिकेशन का है, देयरफॉर उसको इस तरह से देखा जाए। हम कम्युनिकेशन को इस तरह कभी भी नहीं सोचते, हम कम्युनिकेशन को इन आइसोलेशन देखते हैं जो कि गलत है। तो रिस्क में कम्युनिकेशन का और रिपोर्टिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सक्सेस रिलाइज हैविली ऑन कम्युनिकेशन थ्रू आउट द प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर नथिंग सिग्निफिकेंट इज ओवरलुक्ड, मतलब वो जो स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन है वो। अब जो अभी आप पीएमआई की बात कर रहे थे, मैं ये बहुत स्ट्रांगली फील कर रहा हूं कि पीएमआई हैज स्टार्टेड इग्नोरिंग इट्स स्टेक होल्डर्स, भाई उसके मेंबर्स हैं, उसके सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उसके एटीपीज हैं, आरईपीज हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो किसी को लिफ्ट ही नहीं कराता पीएमआई आजकल। मतलब हमारा जो एटीपी है वो कहता है जी मैं जब फोन करता हूं वहां पर, जबकि वो प्रीमियर एटीपी है, तो कहता है मुझे दो दो घंटे वो होल्ड पे रखे छोड़ते हैं। तो कहता है मैंने उनसे ये कहा कि भाई मुझे कितने नफलों का फायदा हुआ कि मैं जनाब आपका प्रीमियर एटीपी बना, आपको मैंने $10,000 भी पे किए और आप मुझे भी कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक आम आदमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो कम अज कम आई एम डीलिंग विद सो मेनी पीपल फॉर यू, तो कोई तो कुछ शर्म हया करो। वो तो खैर एक तरफ है बात, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आप पीएमआई को किसी एड्रेस के ऊपर ईमेल भेज दें, किसी पे भेज दें,
आप यकीन करें इन्फो पे ना भी भेजें, किसी एड्रेस पे भेज दें, वो बंदा आपको घुमा फिरा के वो ईमेल सही जगह खुद पहुंचाता था, और वो लोग आपको खुद कांटेक्ट करते थे कि भाईजान क्या प्रॉब्लम है। और अब वो वक्त है कि ये अभी बता रहे थे इमरान के इवन जो प्रेसिडेंट है उसको मैसेज किया, वो कहते जी फलाने को बताओ मुझे नहीं बताओ। व्हाट नॉनसेंस यार आर यू टॉकिंग अबाउट, स्टेक होल्डर्स को इस तरह से एंगेज किया जाता है। बट एनीवेज, तो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर नथिंग सिग्निफिकेंट इज ओवरलुक्ड एंड रिस्क्स आर रियलिस्टिकली असेस्ड, क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस and commitment of those who manage risk can only be ensured by the way the process operates and the conclusions it produces. Okay ji, effective and honest communication. Effective and honest communication with the rest of the team and other stakeholders. देखिए इफेक्टिव का मैं यूं कहूंगा कि हमें बात करनी नहीं आती। अपना मैसेज जब हम किसी को ड्राइव होम करना चाहते हैं तो द मोस्ट इफेक्टिव वे इज कि सीधी पते की बात की जाए, घुमा फिरा के बात ना की जाए। और वो इफेक्टिव तभी होगी कि जब मैं सही मैसेज सही वक्त पे सही जगह पहुंचा दूं। अगर मैं लंबी कहानियां डालनी शुरू कर दूं तो उसकी इफेक्टिवनेस लॉस्ट हो जाएगी। मोरओवर, घुमा फिरा के बात अमूमन वो लोग भी करते हैं जो सच नहीं बोल रहे होते। अगर आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको ज्यादा चीजों को घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इफेक्टिव एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ और अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, वही जो एक बात मैं बड़ी इंसिस्ट करता होता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड। जितना देखें, एक झूठ बोलेंगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, एक बात छुपाएंगे तो 100 बातें छुपानी पड़ेंगी। तो बुनियादी तौर पे अगर आपने कुछ छुपाया ही नहीं हुआ, आप ट्रांसपेरेंट हैं, बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं, तो फिर कोई मसला ही नहीं है। लोगों को आप ट्रस्ट करें, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे। आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहें और ये जरूर एहतराम करें अगले का कि उसको जो चीज चाहिए उसको वो जरूर प्रोवाइड करें, और जो नहीं चाहिए वो बिला वजह उसके सर थोपने की जरूरत नहीं। तो कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट मस्ट मीट स्पेसिफिक स्टेक होल्डर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन रिफ्लेक्टेड इन द प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी को अगर तब्दील भी करने की जरूरत पड़ती है तो हमें वो करते रहना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच स्टेक होल्डर मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी? रिस्क मैनेजमेंट इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हर कोई जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो अपने अपने काम का रिस्क मैनेजर है, सीधी सी बात है। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे याद है कि मैं जब इसका ओपीएम 3 का सेकंड एडिशन लिखा जा रहा था तो आई वाज द क्वालिटी लीड, एंड मुझसे जब उसने पूछा प्रोग्राम मैनेजर ने कि ये क्वालिटी की जिम्मेदारी किस पे होगी, मैंने कहा जी बात यह है कि मुझे आप लोगों ने क्वालिटी लीड तो दिया है और आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड माई टीम इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल, बट दिस इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्क हो गया, क्वालिटी होगा, ये ऐसी चीजें हैं जो कि एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक ग्रुप को कहा जाए भाई आप लोग ये सारा काम कर लेना, बाकी लोग जो है वो उसको सेबोटाज करते रहे तो भी काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। एवरीबॉडी मस्ट बी लुकिंग आफ्टर हिज ओन पोर्शन ऑफ वर्क। देखें क्वालिटी, मिसाल के तौर पे मैं एक क्वालिटी को हेड कर रहा हूं अगर, तो मैं क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता हूं इंटरफेस पॉइंट्स के ऊपर। जहां एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कोई चीज जा रही है तो मैं दरमियान में आके चेक कर सकता हूं कि जो चीज जा रही है वो पैरामीटर्स के मुताबिक है नहीं है, और अगले को जो चाहिए वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है जी। मैं क्वालिटी की ऑडिट कर सकता हूं बीच में जाके। लेकिन जो आप अंदर गंद घोला हुआ है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो आप क्वालिटी का बेड़ा गर्क वहां कर रहे हैं, तो वो कौन चेक करेगा? वो आपकी जाती जिम्मेदारी है, ठीक है। आप टेस्टिंग की बात करने कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में, आप रिस्क की बात करने, इन तमाम चीजों को जो इस बंदे ने एक्चुअली उस चीज को हैंडल करना है वो ही उसका जिम्मेदार होता है। मैं मानता हूं कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को देते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर किसी की जिम्मेदारी है। अपने अपने एरिए के रिस्क को हाईलाइट करना, उसको देखना, उसको उसके ऊपर एक्शन करना। ये भी नहीं है कि आप सिर्फ रिस्कों को लिस्ट करवा दें, बल्कि ओनरशिप भी आपको मिलेगी
और आपने उस ओनरशिप को भुगताना भी है. मैनेजमेंट ऑफ रिस्क शुड नॉट बी लेफ्ट टू फ्यू रिस्क स्पेशलिस्ट. प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल अदर प्रोजेक्ट प्रोसेस. जैसे अभी आपने देखा इंटीग्रेशन के हवाले से कि इसकी इंटीग्रेशन हर एक के साथ करवानी पड़ेगी. ईच प्रोजेक्ट रिस्क कैन अफेक्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. हर रिस्क जो है वो रिस्क है ही इसलिए कि वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को इफेक्ट करता है, स्कोप, टाइम, कॉस्ट को. स्पेसिफिक रोल्स डिपेंड अपॉन द स्टेक होल्डर प्लेसिंग एंड रिलेशनशिप टू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड कम्युनिकेटेड. ये जरूर होना चाहिए कि जो रिस्क की वाजे जिम्मेदारियां बांटी जाएं. अब बाकायदा नॉमिनेट किया जाए, जब रिस्क आइडेंटिफाई होता है तो बाकायदा उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि ये किसके एरिया में फॉल कर रहा है, और उस बंदे को नाम लेके बताया जाए कि भाई ये रिस्क तुम्हारी जिम्मेदारी में है, इसे तुमने संभालना है. इंडिविजुअल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट एंड रिस्क रिलेटेड लेसन आर कैप्चर्ड फॉर फ्यूचर यूज. याद रखिएगा, हर बंदा अपने एरिए के रिस्कों को आइडेंटिफाई, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सब कुछ करने का खुद से जिम्मेदार है. ठीक है, जो रिस्क ओनर है वो ये सारे काम उस रिस्क से रिलेटेड खुद करने का जिम्मेदार है. एनकरेजिंग सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज. मतलब मैंने कहा था कि सीनियर मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है. डिटर्मिनिंग द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क फॉर द प्रोजेक्ट इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर से हम एटीट्यूड लेते हैं, उससे जो टॉलरेंस लेते हैं, बुनियादी तौर पर हम यही तो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसके लिए क्या हाँ तक, किस हद तक एक्सेप्टेबल है. डिवेलपिंग एंड अप्रूविंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, प्रमोटिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान प्रोसेस फॉर द प्रोजेक्ट, फेसिलिटेटिंग ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अबाउट रिस्क विद इन द प्रोजेक्ट टीम एंड विद मैनेजमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर. ये ओपन एंड ऑनेस्ट है, ये मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी है. फिर जनाब, पार्टिसिपेटिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस. मतलब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर तमाम प्रोजेक्ट के जितने भी रिस्क हैं उसके ये सारा जो कार्रवाई हो रही है, कंप्यूटेशन हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, उस सब में आप हिस्सा लें. अप्रूविंग रिस्क रिस्पॉन्सेज एंड एसोसिएटेड एक्शन प्रायर टू इम्प्लीमेंटेशन. अप्लाइंग प्रोजेक्ट कॉन्टीजेंसी फंड्स टू डील विद आइडेंटिफाइड रिस्क दैट अकर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. ओवरसीइंग रिस्क मैनेजमेंट बाय सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स. ये लाजमी बात है कि हम नॉर्मली जो बंदा प्रोक्योरमेंट्स को देख रहा होता है उसको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर चूंकि बॉस है ओवरऑल, तो इसने तमाम चीजों पर नजर रखी. रेगुलरली रिपोर्टिंग रिस्क स्टेटस टू की स्टेक होल्डर विद रिकमेंडेशन फॉर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक डिसीजन एंड एक्शन टू मेंटेन एक्सेप्टेबल रिस्क एक्सपोजर. फिर एस्केलेटिंग आइडेंटिफाइड रिस्क टू सीनियर मैनेजमेंट वेर अप्रोप्रिएट. अगर आपकी अथॉरिटी और कंट्रोल से बाहर है तो वो एस्केलेशन वाला काम हम करते हैं. Requiring input action from outside the project या release of management funds might be appropriate. Monitoring the efficiency and effectiveness of the project risk management plan and auditing risk responses for their effectiveness and documenting lessons learned. फिर जनाब आप आ जाएं रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के ऊपर. Understand the role of project risk management, the overall project management. And define specifically the project risk management process. जो आप management plan बनाते हैं risk का, ये उसके हवाले से बात हो रही है. तो role of project risk manager, management in risk, project management और project risk management processes जो हैं वो जैसे कि हमने पहले पढ़ी हुई हैं. ये चीज भी आपको पता ही होगी. There are two basic types of corporate business management. ये Max Weidman कह रहा है अपनी किताब में, project and program risk management. कहते हैं बिजनेस रिस्क कौन सा होता है पता होगा आपको, मतलब ये नई बात नहीं है, ये हम अक्सर सुनते और पढ़ते आए हैं. बिजनेस रिस्क इनहेरेंट चांसेस ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें फायदे और नुकसान, वो कहते हैं ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये वो उस तरह की चीज है जिसमें फायदा भी होने का इम्कान हो, लॉस भी होने का इम्कान हो, एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर बिजनेस एंडेवर. बिजनेस एंटिटीज एम्प्लॉय स्किल्ड स्टाफ टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रॉफिट and reduce the chances of loss. The essential purpose is to maximize the profits. So, ye hai ji business risk. Dusra hota hai pure or insurable risk. Ye ek hi cheez hai. Pure or insurable. Ye hamesha negative hi hota hai.
इट इन्वॉल्व ओनली अ चांस फॉर लॉस एंड नो चांस फॉर प्रॉफिट. इंश्योरेबल रिस्क कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फोर कैटेगरीज. क्या क्या है जी? इंश्योरेबल रिस्क वो है जिसमें नुकसान होता है, मतलब हेल्थ का लॉस है या लाइफ का लॉस है या कुछ जिसके प्रोटेक्शन के लिए आप कोई इंश्योरेंस ले लेते हैं या कुछ तरह की चीज. एक है जी डायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस, फिर है इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस, फिर है लायबिलिटी लॉस और फिर है पर्सनल लॉस. डायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस क्या होता है कि आपकी आपके घर को या ऑफिस को आग लग जाए, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस. इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस क्या है कि इंश्योरेंस आपने तो ली हुई है लेकिन आपके घर में आग लगने की वजह से साथ वाले का घर भी जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है अगर उसने इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस लिया हुआ है तो वो आपकी आग से जिस जिसको नुकसान पहुंचा उसका भी नुकसान पूरा करेगी. लायबिलिटी लॉस मतलब अगर ये चीज ये कोई चीज आपने शर्त पूरी ना की तो यू आर लायबल टू बी टू पे सर्टन डैमेजेस. पर्सनल लॉस जाती तौर पे आप अपना अपनी जात का अपनी जान का कोई आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वो पर्सनल लॉस में आता है. लायबिलिटी में ये भी हो सकता है कि आपने किसी को कुछ कोई कीमती चीज है आपके पास आप उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं. डायरेक्ट प्रॉपर्टी लॉस में फायर फ्लड वायर स्टॉर्म्स वगैरह आ सकते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह. इनडायरेक्ट में समवट मोर सबल एंड इन्वॉल्व एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद रेंटिंग अल्टरनेटिव टेम्परेरी अकोमोडेशन और इक्विपमेंट. मतलब जितने अरसे तक वो रिपेयर होगा उतने अरसे तक हम क्या करेंगे उसका खर्चा भी वो आपको निकाल के देगा. लॉस ड्यू टू बिजनेस इंटरप्शन इफ ऑपरेशंस कैन नॉट बी कंटिन्यूड वगैरह वगैरह. लायबिलिटी के अंदर बॉडीली इंजरी है, पर्सनल इंजरी है या प्रॉपर्टी डैमेज है. लॉसूट्स जो हो जाते हैं ना, लोग आपको लायबिलिटी सूट लॉसूट कर देते हैं कि जी इसने हमें नुकसान पहुंचाया या कुछ हुआ, तो उसके लिए आप प्रोटेक्ट करते हैं. और इसमें ये वो भी है जो सॉफ्टवेयर कंपनीज सॉफ्टवेयर या जो भी कोई कंपनीज इंडस्ट्रीज में होती हैं वो कहते हैं जी हमारी बनाई हुई प्रोडक्ट से अगर आपको कोई नुकसान पहुंचे तो उसके लिए हमने प्रोटेक्ट किया हुआ. तो ये वो लायबिलिटी लॉस है कि कल आपको कोई सू कर दे तो वो कंपनी जो इंश्योरेंस की कंपनी होती है वो उसको उसका लॉस बियर करती है, शेयर करती है. पर्सनल लॉस में इन्वॉल्व इंजरीज टू एम्प्लॉयज सच एज दोज कंटेम्प्लेटेड बाय वर्कर कंपनसेशन लॉ. ये बातें जितनी भी मैं बता रहा हूँ ये मैक्स वाइडमैन की किताब से. ऑल प्रोजेक्ट्स आर अनसर्टन. अनसर्टेनिटी इज इनएविटेबल सिंस प्रोजेक्ट्स आर यूनिक एंड टेम्परेरी अंडरटेकिंग बेस्ड ऑन अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट्स डिलीवरिंग प्रोजेक्ट रिजल्ट्स टू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल्स अनसर्टेनिटी. किस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो प्रोएक्टिवनेस लाती है ना, is an attempt to control this uncertain environment through the use of structural techniques. क्या क्या हो सकती हैं? आप जनाब तरतीब में सोचना शुरू करते हैं, estimation करते हैं, plan करते हैं, cost को control करते हैं, task allocate करते हैं, earned value का analysis, monitoring, review meeting, ये सारे जो तरीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं बुनियादी तौर पे आप इसे कहते हैं पढ़ा लिखा तरीका, सोच समझ के actions ले रहे हैं तो you are being proactive. इस तरह के काम करने से आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इनबिल्ट कंट्रोल्स आ जाते हैं रिस्क के खिलाफ. ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैज अ रोल इन डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द अनसर्टेनिटी व्हिच इज इनहेरेंट इन ऑल प्रोजेक्ट्स. फिर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एन अप्रोच बाय विच अनसर्टेनिटी कैन बी अंडरस्टूड असेस्ड एंड मैनेज्ड. मतलब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक तरीका दे रही है कि अनसर्टेनिटी को कैसे देखा जाए, को कैसे हैंडल किया जाए. इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर प्रोजेक्ट सक्सेस. आप अगर अच्छे तरीके से रिस्कों को मैनेज करने का की सलाहियत रखते हैं तो आपको दिस इज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, आपकी कामयाबी का एक इम्तियाजी जुज है. रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शनल नहीं है, हर सूरत में आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी ही पड़ेगी, भले कहीं थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा लेकिन करनी तो पड़ेगी. फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू बी इफेक्टिव प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एन ऑप्शनल
are an additional overhead task. Since many elements of project management addresses inherent uncertainty, the interface between structured project risk management and the other processes of project management needs to be clear. Interface मतलब जो integration हमने की थी कि risk management is integrated into everything. Outputs of project risk management should be taken into account within many of the project management processes. Impact of project risk management outputs. The outputs of project risk management can impact estimating resource requirements, cost or duration. तो जो कोई भी आपका प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट का आउटपुट होगा वो आपके एस्टिमेशंस को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वहां पे आपने टॉलरेंसेस वगैरह बता दी हैं, बाकी चीजें बता दी हैं. असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ प्रपोज्ड स्कोप चेंजेस, प्लानिंग और रीप्लानिंग द फॉरवर्ड स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोजेक्ट, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू टास्क एंड रिपोर्टिंग प्रोग्रेस टू स्टेक होल्डर. नन ऑफ दीज एक्शंस कैन बी परफॉर्म प्रॉपरली विदाउट अ क्लियर व्यू ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व. इन सब चीजों में हमें रिस्कों को मद्देनजर रखना होगा. Project management processes effectiveness is increased by using the information and results from project risk management. फिर जनाब आउटपुट जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायर्स इनपुट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस. लाजमी बात है कि वहां से हमें बाकी लोगों से चीजें चाहिए. WBS नेचुरली WBS का एक एक एलिमेंट उठाऊंगा तो उसके रिस्क ढूंढने शुरू करूंगा. एस्टिमेट्स को देखूंगा, एस्टिमेट में गलतियां निकालूंगा. प्रोजेक्ट स्केड्यूल है उसके अंदर मैं उसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखूंगा, उसमें से बहुत सी रिस्क निकल आएंगे. अजम्पशंस, आपको याद होगा मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि अजम्पशन जो है वो रेड लाइट एरिया है. मतलब ये जहां आपने अजम्पशंस ली हैं वहां खतरा है, और आपको हर अजम्पशन को मुसलसल अपने मुअद्दब अरसे के नीचे रखना पड़ेगा. दे आर all important prerequisites for effective project risk management. Zimmedari ji, responsibility of project risk is so pervasive that it is rarely given sufficient central attention. Kaun zimmedar hai, hum aksar isko ignore kar jate hain. Not all risk events are independent. Total amount at stake in a project may be highly dependent upon series of interacting events. It never rains but it pours. मेरा मतलब है आप कहते हैं कि बारिश होती है तो बहुत ही तेज होती है, तो भाई क्यों होती है? उसके अंदर बहुत सी बारिशें मिली हुई हैं, बहुत से मौसमी तगयरात मिले हुए हैं. There are so many risks which have happened simultaneously. A series of risk events frequently cross traditional functional responsibility boundaries, causing classical difficulty of coordination and rapid response. Can lead to disastrous consequences. मतलब आप ये देखते होंगे अक्सर कि एक वो जो कभी कोई मर्डर हो जाता है किसी एरिया में, तो वो थाना कहता है जी हमारे एरिया में नहीं है, उसके एरिया का काम है. और कभी कभी आपको अंग्रेजी फिल्मों में नजर आता है कि दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे होते हैं कि ये इसको तो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये हमारे एरिया में, वो कहते हैं ये बंदा हमारा है, तो इस तरह से वो थोड़ा होता है. तो मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रिस्क किसके एरिया का है और उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्क टू अ प्रोजेक्ट एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट मस्ट रेस्ट विद द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर. अब जरा गौर कीजिए, नॉट प्रोजेक्ट मैनेजर. उसने कहा जी कि इस प्रोजेक्ट का जो स्पॉन्सर है बड़े अब्बा जो है, ही इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल. द वेरी थ्रेट पोज्ड to the successful achievement of project objective should be sufficient reason for project sponsor to recognize this responsibility. A particular case, kehta ji project leader must keep the project on schedule, must act with insufficient information for taking decisions. Such risk must be calculated, not reckless. Calculated risk lena hai aapne. Aapne वो क्या कहते हैं साइको नहीं बन जाना, खा जाऊंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा. द एब्सेंस ऑफ रिक्विजिट इंफॉर्मेशन क्लियरली रिकॉग्नाइज करें कि यार ये नहीं पता तो नहीं पता. कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज ईदर टू कॉस्टली आर टू टाइम कंज्यूमिंग एंड सिंपली अनअवेलेबल. मेरा मतलब है एक तो ये सीन है कि वो चीज का डाटा ही अवेलेबल नहीं है, और अगर है
तो जिस जगह से मिलना है वो इतना महंगा है कि हम वो कंज्यूम नहीं कर सकते। इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ कॉन्टिंजेंसी प्लान प्रिपेयर्ड सो दैट व्हेन द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स डू बिकम अवेलेबल देयर इज अ फॉल बैक पोजिशन टू टर्न टू। अपना प्लान बी तैयार रखें। R&D प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्योंकि वहां रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो अननोन्स दैट कैन टर्न इनटू अनप्लेजेंट सरप्राइजेस मे इंक्लूड टेक्निकल सॉल्यूशन दैट डू नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड, मतलब हमें नहीं पता कि जो चीज बन रही है काम भी करेगी कि नहीं करेगी, एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, ये R&D प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अनएंटिसिपेटेड बाय प्रोडक्ट निकल आती हैं जो साइड इफेक्ट देती हैं, सच एज अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट ऑफ अ न्यू ड्रग बीइंग एक्लिप्स बाय एन एंटिसिपेटेड सुपीरियर प्रोडक्ट अनाउंसमेंट। आप जो चीज बना रहे किसी और ने उसे भी बेहतर चीज बना के आपसे पहले आउट कर दी है। बाय एन ओवरराइडिंग पेटेंट एप्लीकेशन बाय अ कंपटीटर, ये भी बड़ा कॉमन होता है कि आप एक चीज का पेटेंट लेके जाते हैं, पता चलता है आपका पेटेंट तो पहले ही चोरी हो चुका है और अप्रूव हो चुका है किसी और के नाम पे। मार्केट रिसर्च इंडिकेटिंग लैक ऑफ कस्टमर एक्सेप्टेंस, फिर एस्केलेटिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट और प्रोडक्ट रिलायबिलिटी क्वालिटी और प्रोड्यूसिबिलिटी डिफिकल्टीज। फिर R&D प्रोजेक्ट रिस्क मिटिगेशन के हवाले से कंडक्टिंग पैरेलल डेवलपमेंट बात, ये R&D जब हम करते हैं तो R&D में रिस्क मिटिगेशन का एक बड़ा मजेदार तरीका है, और वो ये है, वो कहते हैं कि रिसर्च दो अलग अलग पैरेलल पाथ्स पे शुरू कर दो, या दो से ज्यादा। मतलब आप कहते हैं ना कि जी इस काम को करने के ये 10 तरीके हैं, तो बजाय इसके कि मैं पहले एक तरीका करूं फेल हूं, फिर दूसरा तरीका करूं फेल हूं, फिर तीसरा तरीका करूं, वो क्या करते हैं कि वो ये अज्यूम करते हैं कि इसके 10 तरीके करने पड़ेंगे, और ये 10 के 10 तरीके मुख्तलिफ टीमों से साइमल्टेनियसली शुरू करा देते हैं कि इन 10 में से कोई एक तो सक्सेसफुल होगा। गालिबन कोविड में यही हुआ, पैरेलल डेवलपमेंट पाथ बने, सबने अपनी अपनी रिसर्च की, जो पहले सामने आ गया वो चीज आपके सामने आ गई, और अब आप देखते हैं कि आपको जनाब पता चलता है कि मुख्तलिफ कोविड की वैक्सीन जो है मुख्तलिफ जगहों से निकल बन बन के आ रही है। फाइजर वाले ने अपनी बना दी, दूसरे ने अपनी बना दी, तीसरे ने अपनी बना दी, और अचानक ये ऊपर नीचे एकदम रिलीज हुई है। इफ वन अप्रोच डज नॉट वर्क देन अनदर विल, मे कॉस्ट मोर बट मे बी वर्थ इट इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, रिड्यूस ओवरऑल रिस्क एंड रिड्यूस द एलैप्स्ड डेवलपमेंट टाइम। एमरजेंसी थी ना जी, मतलब इसको जल्द अज जल्द लाना था तो वो आ गया। मेरा मतलब है कि आपने ये देखा, एड्स एक बीमारी है जो कि मेरा ख्याल है 3 डिकेड्स हो चुके हैं, आज तक उसकी वैक्सीन नहीं बनी, एंड दिस इज प्रिटी नॉर्मल कि 2 डिकेड से ज्यादा तो लगते हैं किसी भी चीज के वैक्सीन बनाने में, और अगर कोविड को देखें तो वो 2 डिकेड को उन्होंने 2 सालों के अंदर अंदर किसी हद तक कैप्चर कर लिया, तो ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इस हवाले से। अच्छा जी, रिस्क की मिटिगेशन, कंडक्टिंग पैरेलल पाथ, ये बात हो गई, और उसके बाद नेक्स्ट है जी विद रिस्पेक्ट टू अनसर्टेनिटीज, रिस्क की क्या टाइप्स हो सकती है। ये तो खैर हमें पता ही है, जो हमने पढ़ा भी, नोन नोन अननोन, नोन अननोन अननोन अननोन, बल्कि इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट, वो जो हमें रिस्क के नए स्टैंडर्ड देती है उसने कहा जी एक अननोन नोन भी है, और जो नोन नोन है उसको उसने अलग कर दिया, उसने कहा ये तो फिर 80% नोन है तो इसको निकाल दो, तो अब एक नई क्लासिफिकेशन आ गई, नोन अननोन और अननोन नोन और फिर अननोन अननोन। अननोन अननोन तो हमें पता ही है, वो तो नेचुरली वी कांट फाइंड। अब हमारे पास 2 ही चीजें रह जाती हैं, नोन 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 अननोन और अननोन नोन। लेकिन जो नोन अननोन है वो रिस्क है जो हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं, और ये पुराना नॉलेज जो कहता था कि ये बस ठीक है, तकरीबन वही बात होगी, सिर्फ टर्मिनोलॉजी का फर्क होगा। अच्छा जी, फिर इसमें जनाब स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्क इवेंट्स विल वेरी बिटवीन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स गो टुगेदर। बाय देयर वेरी नेचर प्रोजेक्ट्स आर रिस्की बिजनेस। वंस ऑल द रिस्क सीम टू हैव बीन थॉट ऑफ, देयर मे स्टिल बी अ फ्यू रिमेनिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप ये समझते हैं कि मैंने सारे रिस्क खत्म कर दिए हैं, तो पता चलता है एक और लंगड़ा लूला चला आ रहा है।
तो मतलब यू कांट एवर नो कि कितने रिस्क हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये इसे डेस्परेट होने की या मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है कि जनाब मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ फिर रिस्क निकल आता है। भाई आप रिस्क खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आप जितने ज्यादा रिस्क आप कैप्चर करें, दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू देयर इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट जो रिस्क का आता है वो तीन चीजों पे आता है, या जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव पे आता है, स्कोप पे, टाइम पे और कॉस्ट पे, और एक हद तक हम क्वालिटी को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, वो तो खैर हमें समझ आती है। स्कोप के ऊपर, रिस्क एसोसिएटेड विद चेंजेस टू स्कोप आर द सब्सिक्वेंट नीड फॉर फिक्सेस टू अचीव द रिक्वायर्ड टेक्निकल डिलीवरेबल। रिस्क क्वालिटी का जो है, फेलियर टू कंप्लीट टास्क टू द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ टेक्निकल एंड क्वालिटी परफॉर्मेंस स्केड्यूल, फेलियर टू कंप्लीट टास्क विद इन द एस्टिमेटेड टाइम लिमिट्स आर रिस्क एसोसिएटेड विद डिपेंडेंसी नेटवर्क लॉजिक। कॉस्ट के रिस्क है, फेलियर टू कंप्लीट टास्क विद इन द एस्टिमेटेड बजट अलाउंसेस। फिर जनाब, विद रिस्पेक्ट टू देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, पॉइंट्स टू पॉन्डर, मेनी आइडेंटिफाइबल रिस्क विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन टू और मोर ऑफ दीज एरियाज, पार्टिकुलरली बोथ स्केड्यूल एंड कॉस्ट। तो बिल्कुल ठीक है, दिस लीड्स टू सिग्निफिकेंट ओवरलैपिंग एंड पोटेंशियल डबल काउंटिंग व्हेन इट कम्स टू मेकिंग ऑफसेटिंग प्रोविजंस। तो ऐसा बिल्कुल वो कह रहा है कि एक रिस्क जो है उसका जो असर जा रहा है, स्कोप पे भी जा रहा हूं, टाइम पे भी जा रहा हूं, एक या एक से ज्यादा पे जा रहा हूं। फिर जनाब, अगर नेचर के हिसाब से देखें रिस्क की टाइप्स को, तो इसमें डिस्क्रीट वन टाइम इवेंट्स होते हैं और टाइम स्केल्ड इवेंट्स होते हैं। वन टाइम इवेंट का मतलब ये है कि बस एक दफा ही एक चीज होनी है, अचानक जो चीज अचानक होती है, सडनली होती है, आग लग गई, चोरी हो गई, दैट काइंड ऑफ। टाइम स्केल्ड इवेंट्स जो होते हैं, जो कि अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, मिसाल के तौर पे फ्लडिंग, अर्थक्वेक्स वगैरह, द प्रोबेबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अकरेंस वेरीज विद द पीरियड टाइम ऑफ टाइम सिलेक्टेड, टिपिकली दे आर इंश्योरेबल, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम बिजनेस रिस्क। ये बिजनेस रिस्क नहीं होते लेकिन नेचुरल रिस्क होते हैं, लेकिन ये भी इंश्योरेबल है। फिर नेचर के हिसाब से एक और भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, डेलिबरेटली चोजन वर्सेस लेटेंट। डेलिबरेटली चोजन रिस्क वो है करेक्टली आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर अ वेंचर अपॉर्चुनिटी, चुने हुए रिस्क। और लेटेंट रिस्क है ये बिल्ट इन होते हैं, इनहेरेंट होते हैं इन अ सिचुएशन, कि जब आप उस सिचुएशन में पड़ेंगे तो उसका रिस्क तो साथ आएगा। चेंजेस इन मार्केट कंडीशन आर अ फॉल्टी मैकेनिकल पार्ट। फिर जनाब, एक और क्लासिफिकेशन है, सफिशियंटली रिमोट और कैटेस्ट्रॉफिक। सफिशियंटली रिमोट रिस्क वो है कि चेंज इन अ पॉलिटिकल डायरेक्शन हो जाएगा, मुल्क का कोई डायरेक्शन ही बदल जाएगा, कोई ऐसी चीज जो होने का इम्कान बहुत कम है। और कैटेस्ट्रॉफिक रिस्क वो है कि फाइनेंशियल कोलैप्स ऑफ द स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, पट्टा ही बैठ जाना। फिर जनाब, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की प्रोसेसेस हैं, डिफाइंड स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट डिस्क्राइब्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क ऑन अ प्रोजेक्ट। रिस्क ओनली एग्जिस्ट इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्कोप, टाइम, कॉस्ट ना होते तो रिस्क ही ना होता। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव एट द वेरी स्टार्ट। डिफरेंट प्रोजेक्ट आर एक्सपोज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्क, सो ईच स्टेप इन द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी स्केलेबल टू मीट द वेरियंग डिग्री ऑफ रिस्क। स्केलेबल एलिमेंट्स क्या है ऑफ द प्रोसेस, इसमें अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, मेथोडोलॉजी और प्रोसेस यूज हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप जरूरत के हिसाब से इसमें इंडक्ट कर सकते हैं, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, रिव्यू एंड अपडेट फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। सो दीज थिंग्स आर स्केलेबल, जिसकी वजह से हम इनको रिस्क को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन प्री कंडीशन, एज अ प्री कंडीशन फॉर अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क थ्रेशोल्ड, जो कि हम पहले भी बात करते रहे हैं, दैट डिफाइंस द की स्टेक होल्डर्स व्यू ऑन एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ रिस्क एज वेल एज अ फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच आइडेंटिफाइड रिस्क कैन बी असेस्ड। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ऑलवेज स्टार्ट विद एन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है जी, इनिशिएशन से आपका स्टार्ट होता है, चार्टर बनता है, टू इंश्योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट ऑफ द टीम एंड द स्टेक होल्डर्स ऑन द अप्रोच एंड पैरामीटर्स दैट विल बी अप्लाइड इन मैनेजिंग
risk in this project, as well as the scope and objectives of the project risk management process itself. So, ye janab, these are the steps for the initiation of the project management. So, iski initiation kahan se hoti hai? Risk management ke plan ko banne se hoti hai. Project risk management activities, resources and attention should be appropriate to the project, since different projects warrant different levels of risk management application. The main actions to provide the required tailoring are as follows. Define these objectives against which risk will be identified. Define how the elements of the project risk management process will be scaled for this project. And finally, define risk threshold tolerances and the assessment framework. Output from initial app should be documented, communicated and reviewed by the stakeholders to ensure a common understanding and of the scopes and objectives for the project risk management process. The document should be formally approved at a senior level. Once the scope and objectives are agreed, start identifying the risks. और ये स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स आपने कहा आइडेंटिफाई कर लिया था, रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर वाजे कर दिया था, अब हम रिस्क को आइडेंटिफाई करना शुरू कर सकते हैं. बी केयरफुल टू डिस्टिंग्विश जेन्युइन रिस्क फ्रॉम नॉन रिस्क. याद रखिएगा कि रिस्क के अंदर कॉज भी होता है, इफेक्ट भी होता है, प्रॉब्लम्स भी होते हैं और इशूज भी होते हैं. प्रॉब्लम इशू का आपको पता है, जब रिस्क अकर कर जाए तो इशू बन जाता है, और जब इशू नासूर बन जाए तो प्रॉब्लम बन जाता है. और हर रिस्क की कोई काज होती है, हर रिस्क का कोई इफेक्ट होता है. वन आर मोर टेक्निक शुड बी सिलेक्टेड एज अप्रोप्रिएट फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. एम इज टू एक्सपोज एंड डॉक्यूमेंट ऑल नोएबल रिस्क, रिकग्नाइजिंग दैट सम रिस्क विल बी इनहेरेंटली अननोएबल एंड अदर्स विल इमर्ज लेटर इन द प्रोजेक्ट. जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिवली इलैबोरेट करते जाएंगे, चीजें आती जाएगी, कोई मसला नहीं है. द एमरजेंट नेचर ऑफ रिस्क रिक्वायर्स. एमरजेंट का क्या मतलब है? एक अननोन अननोन था और वो बस हमें लग रहा है कि कुछ होने वाला है. जब वो एकदम आके हमारे सर पे पड़ता है तो दैट इज द टाइम के जब वक्त गुजर चुका होता है. सो द एमरजेंट रिस्क ऑफ रिस्क नेचर ऑफ रिस्क रिक्वायर्स द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू बी आइटरेटिव. हम मुसलसल इसको बार बार करते हो, रिपीटिंग द आइडेंटिफाई रिस्क प्रोसेस इन ऑर्डर टू फाइंड रिस्क विच वर नॉट एविडेंट अर्लियर इन द प्रोजेक्ट. इनपुट शुड बी सॉर्ट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स वेन आइडेंटिफाइंग रिस्क, सिंस ईच विल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन द रिस्क फेसिंग द प्रोजेक्ट. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट शुड ऑल्सो बी रिव्यूड टू आइडेंटिफाई रिस्क फॉर दिस प्रोजेक्ट. All identified risks are recorded. Ideally, a risk owner is designated for each identified risk. It is the responsibility of the risk owner to manage the corresponding risk through all of the subsequent project risk management processes. फिर जब इन रिस्कों को evaluate कैसे करना है? Importance के हवाले से. Evaluate the importance of each risk to prioritize individual risks for further attention. Evaluate the level of overall project risk. Determine appropriate responses. Qualitative techniques istemal kare to address individual risks. Quantitative techniques istemal kare to consider overall effect of risk or the project outcome. Can use both in combination. Both require different types of data. If used together, an integral approach should be adopted. Use to gain qualitative to hand techniques, they are used to gain better understanding of individual risk. मतलब इसका मतलब ताल्लुक क्वालिटेटिव का इंडिविजुअल रिस्क पे, क्वांटिटेटिव का ताल्लुक जो है वो ओवरऑल रिस्क है. Consider a range of characteristics such as probability of occurrence, degree of impact on project objectives, manageability, time of possible impact, relationship with other risks and common causes or effects. So ये वो चीजें हैं जिनके तहत हम इन इंडिविजुअल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग रिस्क इज एन
essential prerequisite to managing them. So qualitative techniques are used on most projects. The output from qualitative assessment should be documented and communicated to key project stakeholders and form a basis for determining appropriate responses. Quantitative techniques ke andar kehte hain provide insights into the combined effect of identified risk on the project outcome. Take into account probabilistic and project-wise effect such as correlation between risks, interdependency, and feedback loop, thereby indicating the degree of overall risk faced by the project. The results of quantitative analysis should be used to focus the development of appropriate responses, particularly the calculation of required contingency reserve levels, and must be documented and communicated to inform subsequent actions. Quantitative techniques may not be required for all projects to ensure effective management of risk. Iske bagair bhi kaam ho sakta hai. Jahan aapko thode se risk hain aur aapko waise hi andaaza ho jata hai overall risk ka, to quantitative details mein jaane ki shayad aapko zarurat nahi hai. Risk responses ke hawale se, once individual risks have been prioritized and the degree of overall project risk exposure is understood, appropriate risk responses should be developed using an iterative process which continues until an optimal set of responses have been developed. Range of possible response strategies exist for both threats and opportunities. The risk owner should select a suitable strategy for each individual risk based on its characteristics, assessed priority, ensuring that the strategy is strategically kya zaruri hai, uska achievable hona, उसका अफोर्डेबल होना, उसका कॉस्ट इफेक्टिव होना और उसका अप्रोप्रिएट होना. यूज ऑफ सिंगल स्ट्रेटजी दैट एड्रेसेस सेवरल रिलेटेड रिस्क शुड बी कंसिडर्ड व्हेनेवर पॉसिबल. ये वही बात है कि एक सेम काजेज वाले रिस्क हमने, अगर ऐसा कुछ हो सकता है. द रिस्क ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग एक्शंस टू इंप्लीमेंट द चोजन स्ट्रेटजी. दीज एक्शंस मे बी डेडिकेटेड टू एक्शन ओनर as appropriate. Action owner wo log hain jo actually kaam karenge on ground. Risk owner should monitor actions to determine their effectiveness, ke wo kitna behtar ja raha hai, and also to identify any secondary risk which may arise because of the implementation of risk responses. In addition to individual risk responses, actions may be taken to respond to overall project risk. All response strategies and actions should be documented and communicated to key project stakeholders and incorporated into the project plan. Fir aap implementation ki baat karte hain. It is essential that agreed upon actions are implemented. Otherwise, the risk exposure of the project remains unchanged. It is also vital that the project risk management process be repeated at regular intervals throughout the life of the project. This will enable the project team to reevaluate the status of previously identified risks, to identify emergent and secondary risks, and to determine the effectiveness of the project risk management process. Ek to wo ye cheez bhi check karega. Awaaz aa rahi? Ji naab, awaaz aa rahi hai? जी मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी सर, अब आई भी बंद हो गई थी. हाँ जी, वही जो मैं आपको कह रहा था, कनेक्शन बार बार ब्रेक हो रहा है, वही मसला है. अच्छा जी, मैं बात कर रहा था कि इट इज ऑल्सो वाइटल दैट प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस बी रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. दिस विल एनेबल द प्रोजेक्ट टीम टू री इवेल्युएट द स्टेटस ऑफ प्रीवियसली आइडेंटिफाइड रिस्क, जो अब तक आइडेंटिफाई पहले हुए उनका क्या हाल है. टू आइडेंटिफाई एमरजेंट सेकेंडरी रिस्क, ये बात हो गई. एंड टू डिटरमिन द इफेक्टिवनेस, कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान कैसा चल रहा है. अगर आपको लग रहा है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस मजे से नहीं चल रहा, तो इसका मतलब है मे बी
हमारा हमने जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान के पैरामीटर रखे हैं वही अच्छे ना रखे हों, उसको शायद चेंज करने की जरूरत है। तो इसको जरूर ध्यान में रखें क्योंकि वी कैन इवन चेंज द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। स्टेप्स जो हैं ये तो खैर आप वाकिफ हैं इससे, रिस्क आइडेंटिफाई, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिस्क रिस्पॉन्स और मॉनिटर एंड कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस में नहीं लिखा हुआ उसने। अच्छा जी, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से ये इसने इस तरह से तरतीब दिया हुआ है और इन्होंने फिर इसके बाद इसको इस तरतीब में इस तरह से फिर नहीं दिखाया, नए स्टैंडर्ड में इन्होंने इस तरह से शो नहीं किया। खैर जो कुछ लिखा हुआ है हम इसको देखते हैं। प्लान रिस्क मैनेजमेंट के बारे में वो कहता है टेलर्ड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रिस्क के थ्रेशोल्ड होते हैं इसमें, प्रोसेस के रूल्स होते हैं और बाकी रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है। आइडेंटिफाई रिस्क में लिस्ट ऑफ रिस्क होती हैं और उनके रिस्क ओनर्स होते हैं। क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी होती है, इम्पैक्ट होता है, रूट कॉजेज होती हैं, इंपॉर्टेंस होती है और एक प्रायोरिटाइज लिस्ट बनती है क्वालिटेटिव रिस्क की। क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं, कंबाइंड आउटकम्स हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट्स होती हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है और प्रायोरिटाइज लिस्ट अपडेट हो जाती है। और प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेज में स्ट्रेटजीज होती हैं, एक्शन होते हैं, एक्शन ओनर्स होते हैं, टाइमिंग होती है, एनालिसिस होता है और प्रोजेक्ट प्लान अपडेट हो जाता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में स्टेटस एंड ट्रेंड्स हैं, रिपोर्टिंग है और ट्रेंड्स इन रिस्क एक्सपोजर। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेसेस कंसर्न्ड विद कंडक्टिंग रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस रिस्पॉन्सिस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑन अ प्रोजेक्ट। मोस्ट ऑफ दीज प्रोसेसेस आर अपडेटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। ये वही बात है, अब सिर्फ ये देखते हैं जब, इसको मैं ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करता। ये वही PMBOK वाली बातें आ गई हैं, ये भी आपको पता है रिस्क एपिटाइट क्या है, ये डायग्राम हम देख चुके हैं। ये जनाब आपके रिस्क के प्रोसेस हैं, इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स, ये टोटल 7 प्रोसेस के बनते हैं। की कॉन्सेप्ट्स में उसके ऊपर बात करता है। एक मिनट थोड़ी सी ब्रेक ना ले लें जी। सर आपका माइक बंद क्यों आ रहा है? आप बोल रहे हैं लेकिन आपका माइक बंद आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है लेकिन आपका माइक जो बंद आ रहा है। मेरा तो खुला हुआ है माइक। एक मिनट आप बताइए सर, 10 मिनट बाद मिलते। अभी अभी ठीक है माइक? नहीं ऑरेंज ही हुआ है, ग्रीन नहीं है। खैर है कोई बात, मेरे पास ग्रीन आ रहा है सर। अच्छा आपके ग्रीन चले ठीक है, चलें जी 10-15 मिनट तक मिलते हैं। जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके ये तो PMBOK 6 का पेज है ना हाल सर? जी 6 का पेज है ये। ओके जी सर एक एग्जांपल दूं जब तक यासिर आ रहे हैं। जी जी बोले बोले। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मतलब मैंने आपको बताया टीचर तो था पहले से मैं, तो मैं पढ़ाता था तो बच्चों को एकदम समझाने की कोशिश की तो समझ में नहीं आया। इत्तेफाक से मुझे एक तो टॉन्टिंग का एक बड़ा मसला है, मैं टॉन्टिंग बहुत करता हूँ। तो 2-3 बच्चे क्लास में लेट आ रहे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो इंडिविजुअल रिस्क क्या हुआ, स्टूडेंट लेट आए, टीचर लेट आए, कोई क्लास में मोबाइल यूज करे, ये इंडिविजुअल रिस्क हो गए। अगर इन सारे रिस्कों को मिला दो तो वो ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क हो जाएंगे तो हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी। सही है बिल्कुल सही है। उसके बाद टाइम पे आना शुरू हो गए थे, मोबाइल बंद हो गए थे। सही है। अच्छा जी सर आई एम बैक। जी सर जबरदस्त। अच्छा यहाँ जरा देख लें इधर कोई चीज ऐसी है जो हमने ना पहले बात की हो, इंडिविजुअल ओवरऑल की तो हम बात कर चुके हैं। की कॉन्सेप्ट्स में ऑल प्रोजेक्ट्स आर रिस्की, ये तो वो बात हम कर चुके हैं। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एम्स टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क, ये भी सब कुछ हो चुका है। रिस्क एग्जिस्ट इन 2 लेवल्स, इंडिविजुअल और ओवरऑल। इंडिविजुअल रिस्क कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, ये ठीक है, ये सब कुछ हमने कर लिया हुआ है। अमर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। ये चीज है जो पढ़ने वाली है। Trends and emerging practices.
अच्छा वो कहते हैं जी नॉन इवेंट रिस्क भी एक चीज होती है, एक है ना इवेंट रिस्क इज अ इवेंट। द फोकस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इज ब्रॉडनिंग टू इंश्योर दैट ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क आर कंसिडर्ड एंड दैट प्रोजेक्ट रिस्क आर अंडरस्टूड इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट। ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू, एक तो उसने कहा नॉन इवेंट रिस्क, मोस्ट प्रोजेक्ट्स फोकस ओनली ऑन रिस्क दैट आर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स दैट मे आर मे नॉट अकर। एग्जाम्पल्स ऑफ इवेंट बेस्ड रिस्क इंक्लूड अ की सेलर मे गो आउट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, द कस्टमर मे चेंज द रिक्वायरमेंट आफ्टर डिजाइन इज कंप्लीट। मतलब ये किसी ना किसी चीज पर डिपेंडेंट है ये सारे रिस्क। लेकिन नॉन इवेंट रिस्क वो होते हैं जो होते तो रिस्क हैं लेकिन वो डिपेंडेंट नहीं होते किसी चीज के ऊपर। देयर इज एन इंक्रीजिंग रिकॉग्निशन दैट नॉन इवेंट रिस्क नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड मैनेज। दीज आर टू मेन टाइप्स ऑफ नॉन इवेंट रिस्क। एक तो है वेरिएबिलिटी रिस्क, मतलब एक ऐसा रिस्क है कि ये चीज जो है वो पॉजिटिव साइड पे भी जा सकती है, नेगेटिव साइड पे भी जा सकती है और प्रोजेक्ट में किसी भी स्टेज पे जा सकती है। अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लान्ड इवेंट आर एक्टिविटी आर डिसीजन। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबिलिटी रिस्क इंक्लूड प्रोडक्टिविटी मे बी अबव आर लो आर बिलो टारगेट। नाउ इसका इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोडक्टिविटी कैन बी अबव आर लो टारगेट बिलो टारगेट किसी भी वक्त। द नंबर ऑफ एरर्स फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग मे बी हाई आर लो, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आर अनसीजनड वेदर कंडीशंस मे अकर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज। अब वो कौन सी वेदर कंडीशन की बात कर रहा है, कुछ भी हो सकती है, हार्श कंडीशन पॉजिटिव भी हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है। इस तरह के रिस्क जो है इनको वेरिएबिलिटी रिस्क कहा जाता है और इनका किसी इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो मतलब यह है कि ऐसे रिस्कों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर आ जाते हैं एम्बिग्युटी रिस्क। ये एम्बिग्युस रिस्क है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। आगे हमें नहीं नजर आ रहा कि फिर क्या होगा उसके बाद। एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट वेयर नॉलेज माइट अफेक्ट possibility to achieve objective include elements of the requirements are technical solution, future development in regulatory frameworks are inherent systemic complexity in the project। मतलब एक ऐसा रिस्क है जिसके बारे में हमें क्लियर नहीं है कि क्या होगा, वो क्या शक्ल इख्तियार करता है। ठीक है जी, ये भी नॉन इवेंट बेस्ड है, इसका भी कोई ताल्लुक किसी और चीज से नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एन एम्बिगुअस रिस्क। ये दोनों नॉन इवेंट रिस्क है। आगे चलें। वेरिएबिलिटी रिस्क जो है कैन बी एड्रेस यूजिंग मोंटी कार्लो एनालिसिस विद अ रेंज ऑफ वेरिएशन रिफ्लेक्टेड इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोड बाय एक्शंस टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एम्बिग्युटी रिस्क जो है they are managed by defining those areas where there is a deficit of knowledge or understanding, then filling the gap by obtaining expert external input or benchmarking against best practices. Ambiguity is also addressed through incremental development, prototyping or simulation. ये बातें आपकी PMBOK कह रही है। फिर वो कहता है जी project resilience, existence of emergent risk is becoming clear with a growing awareness of so-called unknowable unknowns. These are the risks that can only be recognized after they have occurred. Emergent risks can be tackled through developing project resilience. Project ko zyada resilient bana dein to hum ye jo अननोन अननोन्स हैं या जो एमरजेंट रिस्क हैं इसको टैकल कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्स ईच प्रोजेक्ट टू हैव राइट लेवल ऑफ बजट एंड स्केड्यूल कॉन्टिजेंसी फॉर एमरजेंट रिस्क। मतलब कॉन्टिजेंसी के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद हो,
एमरजेंट रिस्क के लिए और होती भी उसके लिए है, अननोन अननोन के लिए होती है, इन एडिशन टू अ स्पेसिफिक रिस्क बजट फॉर नोन नोन रिस्क, नोन का के पैसे अलग और अननोन अननोन के पैसे उसमें अलग रखे। फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट प्रोसेसेस दैट कैन कोप विद एमरजेंट रिस्क व्हाइल मेंटेनिंग ओवरऑल डायरेक्शन टुवर्ड प्रोजेक्ट गोल्स इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग चेंज मैनेजमेंट। एम्पावर्ड प्रोजेक्ट टीम होनी चाहिए दैट हैज क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज ट्रस्टेड टू गेट द जॉब डन विद इन एग्रीड अपॉन टाइम लिमिट्स। फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ अर्ली वार्निंग साइंस टू आइडेंटिफाई एमरजेंट रिस्क एज अर्ली एज पॉसिबल एंड क्लियर इनपुट फ्रॉम स्टेक होल्डर्स टू क्लैरिफाई एरियाज वेयर द प्रोजेक्ट स्कोप और स्ट्रेटजी कैन बी एडजस्टेड इन रिस्पॉन्स टू एमरजेंट रिस्क। फिर इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, ये वो वाला पोर्शन आ गया जो हम पहले बात करते आए हैं, वो अपना मैक्स वाली बात जो थी। प्रोजेक्ट एग्जिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट एंड दे मे फॉर्म पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम और अ पोर्टफोलियो। रिस्क एग्जिस्ट एट ईच लेवल ऑफ ईच ऑफ दीज लेवल एंड रिस्क शुड बी ओन्ड एंड मैनेज्ड एट द एप्रोप्रिएट लेवल। सम रिस्क आइडेंटिफाइड एट हायर लेवल विल बी डेलीगेटेड टू द प्रोजेक्ट टीम फॉर मैनेजमेंट एंड सम प्रोजेक्ट रिस्क may be escalated to higher level if they are best managed outside the project. A coordinated approach to enterprise-wide risk management ensures alignment and coherence in the way risk is managed across all levels. This builds risk efficiency into the structure of programs and portfolios, providing the greatest overall value for a given risk of risk exposure. ये तो integration हो गई इसके अंदर अंदर। फिर टेलरिंग की बात है, बिकॉज ईच प्रोजेक्ट इज यूनिक इट इज नेसेसरी टू टेलर द वे प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर अप्लाइड। कंसिडरेशंस फॉर टेलरिंग इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू प्रोजेक्ट साइज। डज द प्रोजेक्ट साइज इन टर्म्स ऑफ बजट ड्यूरेशन स्कोप और टीम साइज रिक्वायर अ मोर डिटेल्ड अप्रोच टू रिस्क मैनेजमेंट आर इज इट स्मॉल एनफ टू जस्टिफाई अ सिंप्लीफाइड रिस्क प्रोसेस। कंप्लेक्सिटी के हिसाब से इज इट रॉबस्ट रिस्क अप्रोच डिमांडेड बाय हाई लेवल्स ऑफ इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी कमर्शियल अरेंजमेंट इंटरफेसेस आर एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज दैट इंक्रीज प्रोजेक्ट कंप्लेक्सिटी आर इज इट द प्रोजेक्ट सिंपल एनफ दैट अ रिड्यूस्ड रिस्क प्रोसेस विल सफाइस। इंपॉर्टेंस के हिसाब से हाउ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इज द प्रोजेक्ट। इज द लेवल ऑफ द रिस्क इंक्रीज फॉर दिस प्रोजेक्ट because it aims to produce breakthrough opportunities, address significant blocks to the organizational performance or involves more major product innovations. Or phir development approach ke liye, is this a waterfall project where risk processes can be followed sequentially and iteratively, or does the project follow an agile approach where risk is addressed at the start of each iteration as well as during its execution. Tailoring of the project risk management processes to meet these considerations is part of the planned risk management process and the outcomes of tailoring decisions are recorded in the risk management plan. So, agile ki jo considerations hain, mere khayal aap agile ke hawale se to samajhte hi hain ki kis tarike ke sath wahan risk management hoti hai. Ek baat to hum ye kehte hain ki jo bada risk hai usko pehle deal kiya jaye, और वो ऐसे ही पहले नहीं डील किया जाए, पहले हाई वैल्यू आइटम्स रखे जाएं और हाई वैल्यू आइटम्स में जो हाई रिस्क है उसको शुरू में डील किया जाए। हाई वेरिएबिलिटी एनवायरनमेंट बाय डेफिनेशन इनकर मोर अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। टू एड्रेस दिस प्रोजेक्ट मैनेज यूजिंग अडॉप्टिव अप्रोचेस, मेक यूज ऑफ फ्रीक्वेंट रिव्यूज ऑफ इंक्रीमेंटल वर्क प्रोडक्ट एंड क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट टीम्स टू एक्सेलरेट नॉलेज शेयरिंग एंड इंश्योर दैट रिस्क इज अंडरस्टूड एंड मैनेज्ड। रिस्क इज कंसीडर्ड when selecting the content of each iteration and risk will be identified, analyzed and managed during each iteration. Additionally, the requirements are kept in a living document that is updated regularly and work may be reprioritized as the project progresses based on an improved understanding of current risk exposure. ओके जी, ये एजाइल के हवाले से रिस्क के ऊपर बहुत सी बातें की जा सकती हैं और बल्कि आपने अपना इमरान आपने तो पढ़ी होंगी उसमें
स्क्रम की किताब में भी काफी तफसील के साथ रिस्क के ऊपर बात की गई है। पहली बात तो ये है जी कि जब हम एजाइल के अंदर रिस्कों को सॉरी अपने यूजर स्टोरीज को या जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी उनको प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं तो प्रायोरिटाइज वैल्यू के हिसाब से करते हैं। लेकिन वैल्यू के अलावा दो और चीजें हैं जो उसको उसकी प्रायोरिटाइजेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। एक है रिस्क और दूसरा है उसका चीजों का नेचुरल सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। बेशक हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे पूरे प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि जनाब ये वाला फीचर जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर को पूरा करने के लिए हमें 10 और एक्टिविटीज करने की जरूरत है, उनसे पहले वो नहीं हो सकता। तो उस सूरत में ये सीक्वेंस इसका पार्ट बन जाएगा। वो सीक्वेंस हम पहले अदा करेंगे, फिर ये हाईएस्ट वैल्यू आइटम निकालेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है। मोर ओवर अगर दो चीजें एक ही लेवल की आ जाएं, तो आई वुड रादर गो फॉर हाई रिस्क एक्टिविटी फर्स्ट। आमतौर पर लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप ऐसी सूरत में किस काम को करेंगे, तो लोग कहते हैं हम कम रिस्क वाले काम को करेंगे। अगर मेरे पास चॉइस हो कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना, और मैं कहूं कि मैंने हाई रिस्क नहीं करूंगा, तो मैं बात मान सकता हूं। लेकिन जब दोनों काम आप ही ने कर रहे हैं, तो फिर इसको पहले अगर आप करते हैं कम रिस्क वाले को, तो आप तो अपने लिए मुसीबत पाल रहे हैं। रिस्क वाला आइटम जो आप ही ने भुगतना है, अगर उसको आप पालते रहेंगे तो वो हमारे लिए और डेंजरस होता जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि रिस्क वाला आइटम अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है तो उससे पहले जान छुड़ा लें। सो डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सकता है उन रिस्कों से जल्दी। देखें वो रिस्क जो है, मिसाल के तौर पे मैं एक दीवार बना रहा हूँ और उसके अंदर मुझे किसी काम का रिस्क है, तो दीवार बनाने का अमल के लिए जो सिक्वेंशली जो चीजें रिक्वायर्ड है अगर वो हो जाती हैं, तो मुझे फौरन दीवार बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस दीवार का रिस्क निकल जाएगा और वो रिस्क बहुत बड़ा है। वो रिस्क जब एक दफा अकर होता है या नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अकर ही होगा, जब वो दीवार बन जाएगी तो रिस्क खत्म हो गया ना, अब तो वो रिस्क नहीं रहा। इसका मतलब है या तो वो रिस्क अकर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसका थ्रेट आपके सर से उतर जाएगा। तो एक तो हम इस तरह से एनालाइज करते हैं। उसके बाद हर एक्टिविटी जब हम एक आइटरेशन के अंदर कंडक्ट कर रहे होते, प्लान कर रहे होते हैं, जब उसका एस्टिमेट लगाते हैं, उस वक्त हम हर एक्टिविटी के अंदर उसका कंप्लीट एस्टीमेट बिल्ड करते हैं, कॉस्ट का भी, टाइम का भी और रिसोर्स का भी, और यहां तक के उसकी क्वालिटी और रिस्क को भी एक्टिविटी के अंदर ही कंसिडर किया जाता है। अगर कोई रिस्क रिस्पॉन्स करनी है, उसके अंदर के रिस्क हैं, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई और एक्टिविटी ऐड करने की जरूरत है, वो करना हमारा फर्ज बनता है। दैट इवन इन एजाइल हम ये करते हैं। इसी तरह अगर क्वालिटी के खास लेवल पे लानी है, तो क्वालिटी में अगर कोई उस लेवल पे लाने के लिए हमें एक आध एक्टिविटी या एक आध टास्क ऐड करना पड़ता है, तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हम वही यूजर स्टोरी तो वही उठाई हुई है, जब उसका हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं एक्टिविटीज में या टास्क में, उस वक्त हम ये चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि रिस्क एंड क्वालिटी आर बिल्ट इनटू द इंक्रीमेंट, तो ये गलत नहीं होगा। We take on full responsibility of risk and quality in agile. इस यही वजह है कि agile की quality ज़्यादा बेहतर होती है। Okay जी, ये आगे जी हम अपनी किताब की तरफ, PMBOK के 6th edition की तरफ। ये critical success factors हमने देख लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? टू डेवलप द ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। स्ट्रेटजी की तो बनानी है हमने। टू डिसाइड हाउ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, बिल्कुल ठीक है। टू इंटीग्रेट द रिस्क मैनेजमेंट प्लान विद अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये भी सही हो गया। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वो ये कह रहा है कि इट रिक्वायर्स क्रिएशन ऑफ अ रिस्क मैनेजमेंट प्लान, एंड दिस प्लान डिस्क्राइब हाउ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस शुड बी कैरीड आउट,
how they fit in with other project management processes. On a broader level, it describes the relationship among the project risk management, general project management, and the management processes in the rest of the organization. To provide the greatest benefit, ये हम first edition के ऊपर आ गए हैं. To provide the greatest benefit, initial risk management planning should be carried out early in the overall planning of the project. मतलब वही बात, जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. The corresponding risk management activities integrated into the overall project management plan. The risk management plan may subsequently need to be adopted as the needs of the project and its stakeholders become clearer or change. Although the project risk management processes form an integral part of the overall project management plan, a budget in terms of resources, cost, and time for the specific risk management activities should be established in order to better track, control, and as necessary, defend the corresponding expenditures throughout the project. And I would say that this thing applies to Agile also. Cost of treating the risk themselves should be included appropriately in the project budget, with the risk management plan should describe how this part of the project budget is evaluated, allocated, and managed. The risk management plan will define the monitoring methods to ensure that the corresponding expenditures are tracked appropriately, as well as the conditions under which the approved budget for the risk management can be modified. इसका मतलब है हम बजट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन के हवाले से, इन द सेम वे द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज नीड टू बी रिपीटेड थ्रू आउट द प्रोजेक्ट. द रिस्क मैनेजमेंट प्लान शुड डिफाइन बोथ द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फॉर रिपीटिंग द प्रोसेस एज वेल एज द स्पेसिफिक और एक्सेप्शन कंडीशन अंडर विच द कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन शुड बी इनिशिएटेड. द कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी इंटीग्रेटेड इन टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. ये जनाब आपका प्लान रिस्क मैनेजमेंट आ गया. इसमें आप देख सकते हैं वही, ये तो स्टैंडर्ड होता है ना जी, चार्टर होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट होंगे, एंटरप्राइज मैनेजमेंट होगा, एक्सपर्ट जजमेंट होगा, डाटा एनालिसिस होगा, और मीटिंग होगी, और इधर जो भी मैनेजमेंट प्लान है वो होगा. तो जो चीज बदलती है वो आपके डाटा एनालिसिस के तरीके बदलते हैं. यहाँ पे हमें स्टेक होल्डर एनालिसिस को मद्देनजर रखना है, क्योंकि हमने उनसे रिस्क आइडेंटिफाई करवाने हैं. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में सारे कंपोनेंट्स हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में स्टेक होल्डर रजिस्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है. ओके, रिस्क मैनेजमेंट प्लान के इंग्रेडिएंट्स, जैसे हम पहले भी देखते आ रहे हैं, रिस्क की स्ट्रेटजी का होना जरूरी है. डिस्क्राइब द जनरल अप्रोच टू मैनेजिंग द रिस्क ऑन दिस प्रोजेक्ट. मेथोडोलॉजी का होना जरूरी है. डिफाइंस द स्पेसिफिक अप्रोचेस, टूल्स एंड डेटा सोर्सेज दैट विल बी यूज्ड टू परफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट ऑन द प्रोजेक्ट. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफाइंस द लीड, सपोर्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट टीम मेंबर्स फॉर ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी डिस्क्राइब्ड इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड क्लैरिफाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. ऑल्दो आई एम नॉट आस्किंग यू कि अभी आप सारे लोगों को नॉमिनेट कर दें, मगर कम अज कम उन रोल्स को तो डिफाइन कर दें कि जी हमारे पास एक रिस्क मैनेजर होगा, एक असिस्टेंट रिस्क मैनेजर होगा, एक एवेलुएटर होगा, एक स्टैटिस्टिशियन होगा, व्हाटएवर. और इसके अलावा जो रिस्क ओनर्स होंगे, फिर रिस्क ओनर्स के एक्शन ओनर्स होंगे, वगैरह वगैरह. अब वो कौन होंगे ये बेशक हम बाद में नॉमिनेट कर दें. फंडिंग, आइडेंटिफाइज द फंड्स नीडेड टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. एस्टैब्लिशेस प्रोटोकॉल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिजेंसी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज रिजर्व्स. टाइमिंग, डिफाइंस व्हेन एंड हाउ ऑफन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस will be performed throughout the project life cycle and establishes risk management activities to inclusion for inclusion into the project schedule. Project schedule ka hissa ban jayengi wo jo responses hongi hamari. Risk ki categories kya hongi? Provides a means for grouping individual project risks. A common way to structure risk categories is with a risk breakdown structure, which is a hierarchical representation of potential sources of risk. And RBS helps the project team consider full range of sources from which individual project risks may arise. This can be useful when identifying risks and when categorizing identified risks. The organization may have a generic RBS to be used for all projects. Or
there may be several RBS frameworks for different types of projects, or the project may develop a tailored RBS. Where an RBS is not used, an organization may use a custom risk categorization framework, which may take the form of a simple list of categories or a structure based on project objectives. आप मुझे ये बताइए, तो लंबी डिस्कशन हो गई, RBS क्या होता है और कैसे दिखता है? जी जनाब, क्वेश्चन कर लो. How does a risk breakdown structure look like? WBS की तरह. बिल्कुल सही है. और इसके इसको इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली दिस इज द डिवीजन बाय कैटेगरी. वो जो रिस्क कैटेगरी है, तो आरबीएस जो है डिवीजन ऑफ रिस्क बाय कैटेगरी. तो आप कहते हैं जी रिस्क दो किस्म के हैं, मिसाल के तौर पे ह्यूमन रिस्क एंड मटेरियल रिस्क, या कोई और, मतलब जितने भी आप उसकी डिविजन बनाना चाहें, कैटेगरीज बनाना चाहें, आप उसकी चार पांच कैटेगरीज बना लें, फिर उसके अंदर आप फर्दर कोई सब कैटेगरीज बना लें, उसके अंदर आप उन रिस्कों को आइडेंटिफाई करते जाएं. तो मतलब ये जो क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर सा बन जाएगा आपके पास. दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन आइडेंटिफाइंग द रिस्क, बिकॉज देन वी कैन कीप इट इन फ्रंट ऑफ अस, एंड हम इसका एक एक लोअर पार्ट जो है उसको पकड़ेंगे और उसके रिस्क आइडेंटिफाई करते जाएंगे, वो उसके नीचे लिखते जाएंगे. ठीक है ना जी? जी सर. स्टेक होल्डर रिस्क एपिटाइट, ये भी हम बात कर चुके हैं, फॉर ऑफ की स्टेक होल्डर ऑन द प्रोजेक्ट रिकॉर्डेड इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान एज दे इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. इन पार्टिकुलर रिस्क स्टेक होल्डर रिस्क एपिटाइट शुड बी एक्सप्रेस्ड एज मेजरेबल रिस्क थ्रेशोल्ड अराउंड ईच प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है उसने, कि स्कोप का भी थ्रेशोल्ड बताओ, टाइम का भी बताओ, कॉस्ट का भी बताओ, और अगर मुमकिन हो तो क्वालिटी का भी बता दो. These thresholds will determine the acceptable levels of overall project risk exposure, and they are also used to inform the definitions of probability and impact to be used when assessing and prioritizing individual project risk. Definition of risk probability or impact jab aati hai, to definition of risk probability and impact level are specific to the project context and reflect the risk appetite and threshold of the organization and key stakeholders. The project may generate specific definitions of probability and impact levels, or it may start a general definition provided by the organization. The number of levels reflects the degree of detail required for the project risk management process, with more levels used to a more detailed risk approach, typically 5 levels, and fewer for a simple process, usually 3. Iske liye ek table dekhenge abhi hum, provides an example of definition of probability and impact against 3 project objectives. These scales can be used to evaluate both threats and opportunities by interpreting the impact definition as negative for threat, delay, additional cost and performance shortfall, and positive for opportunities, jaise reduced time or cost, performance enhancements wagera. Ye to example hogi ji aapke paas RBS ki. All sources of risk, fir usme aapne categories bana di, technical risk, management risk, commercial risk, external risk. फिर आपने टेक्निकल में सब कैटेगरी बना दी, आपने कहा स्कोप डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, मतलब इससे रिलेटेड रिस्क. तो इस तरह आप उनकी कैटेगराइजेशन भी बना सकते हैं, और इसको हम चेकलिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम अलहदा से चेकलिस्टें डेवलप कर सकते हैं. और चेकलिस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द रिस्क. प्रॉम्प्ट लिस्ट कह लें, चेकलिस्ट कह लें, उससे हम जो पुराने रिस्क हैं उनको वैलिडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं या नहीं करते. इसको इस तरह से भी शो किया जाता है रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, वही चीज, इसको आप बिल्कुल WBS की तरह बना के देख लें. लेकिन अब क्या होगा कि हम फिर कहेंगे पहले हम रिक्वायरमेंट के रिस्क निकालेंगे, टेक्नोलॉजी के निकालेंगे, फलाना फलाना फलाना, तो सबके रिस्क निकालते जाएंगे. लेकिन इन तरीकों में एक फ्लॉ है, और वो ये है कि ये हमें बाइंड कर देते हैं अपनी कैटेगरीज के अंदर, और अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आनी भी है तो वो नहीं आती, वो रुक जाती है. वो हम फिर इसी जो चीज हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है इसी के मुताबिक सोचना शुरू करते हैं, और इसी के अंदर सोचना शुरू करते हैं, तो क्रिएटिविटी किलर है ये. तो उस सूरत में कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं अलहदा से, और उसके नतीजे में हम उन चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं.
ये वो चार्ट था जी जो वो कह रहा था कि एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट। देखिए उसने एक एग्जांपल दिखाई है, किस किस पे दिखाई है, टाइम कॉस्ट एंड क्वालिटी पे दिखाई है, स्कोप पे नहीं दिखाई, चलें कोई बात नहीं। स्केल है जी उसने रखा हुआ है वेरी लो, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो और वेरी लो। और वो कहता है जी इस वेरी हाई का मतलब है कि 70% से ज्यादा, हाई का मतलब है 51 to 70, मीडियम का मतलब है 31 to 50, लो का मतलब है 11 to 30, और वेरी लो का मतलब है 1 से 10, और निल का मतलब है कि लेस देन 1। ठीक है, जो भी है वो क्या पैरामीटर्स क्या सेट कर रहे हैं इंपैक्ट प्लस माइनस। वो कहता है जी टाइम के हिसाब से अगर कोई चीज 6 महीने से ज्यादा लेट हो गई तो वो वेरी हाई में आ जाएगी टाइम के हिसाब से, मतलब कॉस्ट के हिसाब से अगर $5 million से ऊपर निकल गई तो वो कॉस्ट के हिसाब से उसकी लिमिट ये है, और क्वालिटी के हिसाब से लिमिट है वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ओवरऑल फंक्शनैलिटी। इसी तरह टाइम में वो 3 से 6 महीने, 1 से 3, 1 से 4 वीक, 1 वीक और नो चेंज, ये निल है। कॉस्ट में 5 मिलियन से ऊपर तो उसने वेरी हाई कहा था, 1 से 5 को उसने हाई कहा, 501,000 से 1 मिलियन तक उसने हाई मीडियम कहा, 100 से 500 तक उसने लो कहा, और 100 से नीचे उसने वेरी लो कहा। और इसी तरह क्वालिटी को क्योंकि न्यूमेरिक्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसने कहा जी वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ओवरऑल फंक्शनैलिटी या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनैलिटी या सम इंपैक्ट ऑन की फंक्शनल एरिया या माइनर इंपैक्ट ऑन ओवरऑल फंक्शनैलिटी, माइनर इंपैक्ट ऑन सेकेंडरी फंक्शन, नो चेंज इन फंक्शनैलिटी। सो एक तरह से उसने कोशिश की है कि वो ये टॉलरेंसेज जैसा शोल्ड जो है वो आपको बता सके कि किस तरह से नजर आएंगे। इसका एक और तरीका है जो पुरानी किताब में था, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ज्यादा बेहतर है, उसमें स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी चारों है, और उसमें इसने ऊपर की तरफ ये रखे हुए वेरी लो, लो, मिड, मॉडरेट, हाई, वेरी हाई, और उसकी परसेंटेज उसने अपने हिसाब से रखी है। इसको कहा है जी वेरी लो को 5% का है, लो को 10% का है, मॉडरेट को 20 का है, हाई को 40 का है, और वेरी हाई को 80 का है, जो मर्जी आप रखें। कॉस्ट में वो कहता है जी अगर तो इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट इंक्रीज हुई तो हम कहेंगे वेरी लो, अगर कॉस्ट इनकी 10% से कम हुई तो लो, अगर 10 से 20% हुई तो पॉइंट मॉडरेट, और अगर 20 से 40 हुई तो हाई, और अगर 40% से ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगा तो वेरी हाई। इसी तरह टाइम में वो कहता है कि जी माइनस अपना 5% से कम हुआ या इनसिग्निफिकेंट हुआ या 5% से कम, 5 से 10, 10 से 20, 20 से ज्यादा। स्कोप में कहता है स्कोप डिक्रीज बेयरली नोटिसेबल, ये वेरी लो है, माइनर एरियाज ऑफ स्कोप अफेक्टेड, मेजर एरियाज ऑफ स्कोप अफेक्टेड, स्कोप रिडक्शन अनएक्सेप्टेबल टू स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट एंड टीम इज इफेक्टिवली यूजलेस, वेरी हाई के अंदर यूजलेस हो गया। इसी तरह क्वालिटी में क्वालिटी डिग्रेशन बेयरली नोटिसेबल, वेरी लो है ये, ओनली वेरी डिमांडिंग एप्लीकेशन आर अफेक्टेड, मॉडरेट में क्वालिटी रिडक्शन रिक्वायर्स स्पॉन्सर अप्रूवल, हाई में आ जाए क्वालिटी रिडक्शन अनएक्सेप्टेबल बाय स्पॉन्सर, और प्रोजेक्ट एंड आइटम इज इफेक्टिवली यूजलेस। तो आपने ये देखा कि दो डिफरेंट तरीकों के साथ हमने इस तरह का स्केल बनाया, और इस स्केल को फिर हम प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट मैट्रिक्स पे प्लॉट करते हैं। प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से दिखता है, और आपको पता है पहले भी आप लोग इसको देख चुके हैं, एग्जाम भी दे चुके हैं। इसमें क्या किया उसने कि उसने एक ही चार्ट का फायदा उठाते हुए उसने थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज इकट्ठी दिखा दी। एक तरफ तो जो परपेंडिकुलर साइड है वो प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है, वो भी 5 क्लासेस हैं, 10, 30, 50, 70 और 90%, और जो इंपैक्ट है उसको भी नेगेटिव इंपैक्ट को भी 5 कैटेगरीज में बांटा और पॉजिटिव को भी। लेकिन किया ऐसे कि जो नेगेटिव वाला है वो बाहर की साइड से अंदर की तरफ वेरी लो टू वेरी हाई आ रहा है, जबकि पॉजिटिव वाला दाईं तरफ से वेरी लो से अंदर की तरफ वेरी हाई आ रहा है। फायदा इसमें ये किया
कि उसने हाईएस्ट नेगेटिव इंपैक्ट को और मैच्योरिटी अपॉर्चुनिटी के हाईएस्ट इंपैक्ट को आपस में मिला दिया। इसका मतलब है कि जो ज्यादा बड़े आइटम्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। दूसरी बात कि हमारा क्या फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इंपैक्ट। तो इंपैक्ट तो ये है ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो अब आप जरा प्रोबेबिलिटी को इंपैक्ट से मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये सेंटर में जो वैल्यूज लिखी हुई है ये निकल आएंगी। मिसाल के तौर पे 0.9 इंटू 0.8 0.72 या 0.3 इंटू 0.2 0.6 0.06। ठीक है जी, इस तरीके के साथ ये जो भी मल्टीप्लीकेशन फिगर आया है इसको बीच में लिख लिया। अब आप क्या करें कि आप टॉलरेंस को मार्क कर लें। आप कहें कि वो वाली टॉलरेंस से बल्कि बढ़ के टॉलरेंस जो ये लगी हुई थी पहले, अब हम उसके अंदर से क्वालिटेटिव एनालिसिस करने लगे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए फर्ज करें हमने कहा कि पिक ओनली दोज वैल्यूज विच आर मोर देन 0.2। 0.2 से बड़ी वैल्यू सबको डार्कन कर दो। तो ये जनाब हमारे को 12 कॉलम जो है, 12 खाने जो हैं ये डार्कन हो गए। फिर हमने कहा कि अच्छा 0.8 एंड अबव को लाइट ग्रे कर दो। अच्छा अब क्या हुआ कि जो डार्केस्ट कलर है सेंटर में ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा चुने हुए आइटम आएंगे और फिर सेकंड कैटेगरी में उससे कम चुने हुए और उससे कम चुने हुए। तो जो सबसे बड़े रिस्क होंगे जिनका प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा वो इधर आके बैठ जाएंगे, मतलब उनका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा वो इधर आके बैठ जाएंगे। अच्छा अब कैसे बैठ जाएंगे, ये चार्ट लें और इसको एक बड़ी सारी दीवार पे लगा दें, बड़ा सारा बनाए इसको और उससे बड़ी सारी दीवार पे। बल्कि रीटा मलकैनी ने तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया हुआ है। वो क्या करती है कि उसने एक पूरा जमीन पे बिछाने वाला पैनाफ्लेक्स बनाया हुआ है। वो उसको जमीन पे बिछा देती है और वहीं पे लोगों से एक्सरसाइज कराती है कि अब आप रिस्क आइडेंटिफाई करें लोगों को। वो उसने बाकायदा पोस्टिट नोट्स को एक खाने बना के दिए हुए उसके अंदर कि जनाब यहाँ पे आपने ये लिखना। तो हर बंदा अपना रिस्क आइडेंटिफाई करता है और वो लाता है अपना रिस्क और लाके इस कालीन के ऊपर या इस चार्ट के ऊपर अप्रोप्रिएट खाने में फिट कर देता है। मिसाल के तौर पे उसने उस चिट पे लिखा होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है या क्या है और इसका जो है नेगेटिव है क्या है, वो जो कुछ भी लिखा होता है उसके हिसाब से जो वैल्यू बनती है उस जगह स्टिकर लगा देती है। सो फर्ज करें आपने स्टिकर लगाया 0.56 के खाने में लग गया, ये बड़ा सा खाना होगा ना, इसमें और भी स्टिकर आ सकते होंगे, और भी लोग आ रहे हैं वो जनाब, किसी ने 0.28 में लगा दिया, किसी ने 0.03 में, इधर पॉजिटिव पे लगा दिया, किसी ने नेगेटिव पे लगा दिया। तो इस तरह से जितने भी रिस्क आइडेंटिफाई होते जाएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर जब सारी चीजें आ जाती हैं और उसके बाद आप उन तमाम को चुन लेते हैं जो कि सेंटर वाली थी, काले वाले रंग के बॉक्सेस में थी, तो ये तो क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस का काम हो गया। तो हम आइडेंटिफिकेशन के साथ ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन देम ऑल एंड दिस कैन दिस मे नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि रिस्क को हम बहुत मुश्किल लेते हैं कि पता नहीं इसमें कोई कैलकुलेशन है। रिस्क इज द इजिएस्ट थिंग पॉसिबल, इसके अंदर तुक्के हैं और कुछ भी नहीं है। कहीं जरूरत नहीं है कि आप कोई फिजिकल मेजरमेंट्स लेके आए, एक्चुअल डाटा इस्तेमाल करें। यहां आप देख लीजिए अंदाजों पे काम चल रहा है और प्रोबेबिलिटी का खासा ही यही है कि वो अंदाजों पे चलती है। और उसकी वजह यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना ही एक्यूरेट डाटा क्यों ना ले आए, उसके साथ होना यही है जो हम इन अंदाजों से कर रहे हैं। कोई उसकी तबीयत में इससे बेहतर अफाका नहीं होने वाला, इसलिए वाई टू पुट इन फालतू और स्टूपिड एफर्ट क्यों की जाए। इसके जो सक्सेस फैक्टर्स हैं इसकी दो कैटेगरीज हैं जी। देर आर टू कैटेगरीज ऑफ सक्सेस क्राइटेरिया फॉर द रिस्क मैनेजमेंट, दोज फॉर सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट इन जनरल एंड दोज फॉर सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स जो हैं
इन्वॉल्व नंबर इसमें इन्वॉल्व प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर इन रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लाई विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। फिर कहते हैं इन्वॉल्व स्टेक होल्डर के हवाले से द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर इन द प्लान रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज टू बिल्ड ऑन देयर स्केल एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज टू इंश्योर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड कमिटमेंट टू द फुल प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करने के हवाले से द प्रोविजन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट रिसोर्सेज स्पेसिफाइड विद इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय मैनेजमेंट एट अ लेवल एडिक्वेट फॉर कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद एग्रीड अपॉन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट शुड बी इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ द लेवल ऑफ रिसोर्सिंग रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रिस्क एंड एक्सेप्ट द रिस्क दैट मे अराइज फ्रॉम स्पेसिफिक लिमिटेशन प्लेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ रिसोर्स। Disagreements between stakeholders in the area of risk tolerance and evaluation measures should be addressed and resolved. Phir aapki organizational compliance aa jati hai. The feasibility of risk management planning is dependent upon the features of the organization in which it is carried out. The rules and guidelines defined in the risk management plan should be compatible with the culture of the organization, its capabilities from the point of view of people and facilities, and its value goals and objectives. Project management in general and risk management in particular contribute to the organization's effective governance. The risk management plan should identify and take into account the relevant organizational procedures and any other enterprise environmental factors that apply, such as strategic risk management and corporate governance process. Iske jo tools and techniques hain, प्लानिंग सेशंस होते हैं, टेम्पलेट्स होती हैं, दीज टूल्स एंड टेक्निक्स मे नॉट मैच विद योर पीएमबी ओके, बिकॉज ये आपके एक जनरलाइज जो टूल्स हैं ये वो हैं, और जैसे कि आपको पता ही है कि जो टूल्स किताब में दिए होते हैं वो सारे नहीं होते, और जो जो दिए होते हैं वो सारे के सारे भी इस्तेमाल नहीं होते। तो उसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की है, इसके अलावा भी टूल हो सकते हैं जो आप कहीं से उठा के पिक कर सकते हैं। तो प्लानिंग सेशंस होंगे और टेम्पलेट्स होंगी। प्लानिंग सेशंस आर रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू बिल्ड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क अप्रोच बिटवीन प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड टू गेन एग्रीमेंट ऑन द टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग रिस्क। एलैबोरेशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान ऑफन सर्व्स टू डेवलप एन इफेक्टिव मीन्स फॉर द टीम टू वर्क टूगेदर सिंस अ सिमिलर कंसल्टेटिव टीम अप्रोच विल बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। The participants should include project manager होना चाहिए, project team members होने चाहिए selected, सारे के सारे नहीं, stakeholders होने चाहिए, members of the broader organization having responsibility for this, other subject matter experts or facilitators as needed. So at this point the initial risk responsibility, methodology, template, terms, definitions, time schedule, cost budget for the other project risk management processes should be assigned and accepted. So assignment ho gayi, phir aap aa jaye tools iske jo hain, the specification for the tools that will be used in subsequent processes should include all parameters and other inputs required to ensure applicability to the specific project. These should be documented in the risk management plan, which when formally approved is the principal deliverable of the planned risk management process. Templates, in order to benefit from experience and existing best practices, risk management planning should take into account relevant existing templates for work products, such as risk status report ka format hona chahiye, risk breakdown structure ka, risks register ka. A decision should be made as to which template are relevant to the project, and these should be then be adopted and included in the risk management plan. फिर इसके जनाब डॉक्यूमेंटिंग द रिजल्ट्स हैं। द रिजल्ट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग आर डॉक्यूमेंटेड इन द रिस्क मैनेजमेंट प्लान। द प्लान सर्व्स टू फैसिलिटेट प्रोवाइड ऑल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स विद अ कॉमन व्यू ऑफ हाउ द रिस्क रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी हैंडल्ड, व्हाट हैज बीन एग्रीड अपॉन एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन दीज एक्टिविटीज। ये जनाब आपका की एरियाज ऑफ फोकस हैं।
पीपल में एटीट्यूड्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कम्युनिकेशन, टूल्स में टूल बॉक्स, पैरामीटर्स और डेफिनेशन, और बिजनेस में कंस्ट्रेंट्स एंड अमाउंट ऑफ डिटेल एंड एफर्ट. फिर डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, सम आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान. क्या चीजें होनी चाहिए प्रोजेक्ट प्लान के अंदर? इंट्रोडक्शन होगा, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, मेथडोलॉजी कौन सी आप रिस्क मैनेजमेंट की इस्तेमाल कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी क्या होंगे, स्टेक होल्डर रिस्क टॉलरेंस क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर यूज, थ्रेशहोल्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशन, टेम्पलेट्स, कम्युनिकेशन प्लान, स्ट्रेटजी, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं. जी जनाब, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर, तो वही है सारा. ओके. नहीं, कुछ कुछ चीजें नई भी हैं इसके अंदर जो मतलब थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो रहा है चीजें इसके अंदर. मैंने एक्चुअली स्टैंडर्ड पढ़ लिया ना, तो सारा वो रिपीट हो रहा है. हाँ बिल्कुल. तो ये है जी. बाकी और क्या, ये तो कंप्लीट हम कर लेंगे. और कोई चीज आपके ध्यान में है और क्या करनी है? क्वेश्चंस करने हैं. टूल्स एंड टेक्निक सर, उसमें टूल्स एंड टेक्निक जो थी वो उस दिन आपके नहीं ओपन नहीं हो रही थी, वो रहती है अभी. मैं देखता हूँ एक मिनट, इसको मैं यूनिट 7 से आगे शुरू करूंगा. इसको अभी हम नोट कर लेते हैं और लेट मी हंट फॉर वही टूल्स एंड टेक्निक्स का मसला, क्योंकि स्टैंडर्ड में सर वही बचा था हमारा. चैप्टर 7 और अपेंडिक्स हो गए थे, उसके बाद वही हमारा. कंट्रोल्स के बाद टूल्स हमारे बाकी हैं सर स्टैंडर्ड्स के अंदर. बिल्कुल. कुछ टाइम लगेगा जी, एक मिनट जरा देख लें. आपके पास खुल रही है ये फाइल? इमरान सर, कौन सी फाइल? ये जो स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट है.
जी उस पर असल में सिक्योरिटी लगी है, वो मैंने उसको जो ना ऑनलाइन जाके पहले ब्रेक करा था, फिर लिया था। और मैंने आपको जो भेजी थी ना, वो ब्रेक वाली भेजी थी। अच्छा, तो वो जो आपके आपके पास है नहीं, आपको मैंने व्हाट्सएप करी थी ना सर? मेरे में चल नहीं रहा है, आपको मेमोरी का इशू है नहीं, व्हाट्सएप करी थी मैंने दोबारा आपको। मेरे भाई, मेमोरी का इशू है, कंप्यूटर की मेमोरी का इशू है। ईमेल कर दूं? आपको मेरी बात नहीं समझ आती? मेरे पास अच्छा, है, पहले सॉरी। से मौजूद है, लेकिन मेरे कंप्यूटर की मेमोरी कम हो गई है, वो लोड मैं नहीं कर स्टैंडर्ड खोल पा लूं, आप मुझे क्या कहते हैं, होस्ट कर दे, मैं स्क्रीन शेयर कर देता रहा। हूं। हाँ नहीं, आप हाँ बिल्कुल ठीक है, आप हाँ जी, आपको कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, अभी देखें जरा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही इसमें। आप करें जरा, सर आप इस फाइल को राइट क्लिक करें और ओपन इन ब्राउजर करें, राइट क्लिक करके ओपन विद और ब्राउजर पे जाएं, खुल ब्राउजर में जाएगी। मेमोरी नहीं लगेगी? नहीं, इतनी नहीं लगेगी। बहुत ज्यादा बड़ी फाइल है यार ये। नहीं, 128 पेज की खाली। चलें देख लेते हैं। मैं वो कर रहा हूँ, नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, फाइल शेयरिंग नहीं आ रही है। खास चलें से मैं देख, वेब से साइन इन, उस वेब से नहीं आ रही, एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की मैंने। कौन सी? ये इसकी गो टू ट्रेनिंग वाली जो है, स्विच टू डेस्कटॉप वर्जन। मैनेजमेंट कंट्रोल्स, ये तो वही वो चीजें जो मैं आपको अभी दिखा रहा था ना, फ्रेमवर्क में वही कुछ है सारा।
वो आप, मैं जो स्लाइड है आपको दिखा रहा था वही चीजें इसने यहां रखी हुई हैं। एक मैं आपको तो शेयर करता हूं। ये नजर आ रहा है अपेंडिक्स जी सर आज। अब ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। ये डायग्राम, ये भी मैंने आपसे, ये भी आपसे बात की थी, की फोकस एरियाज, उसके बाद काज रिस्क इफेक्ट के फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। इसको देख लें एक नजर। एक्चुअली जो मेरी स्लाइड है ना उसके अंदर ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। चले खैर, उसको भी हम देखेंगे जाके दोबारा। ये जनाब अजम्पशन एंड कंस्ट्रेंट एनालिसिस। अजम्पशंस आर यूज्ड टू डिटरमिन रिस्क इंपैक्ट। दे आर स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड एज ट्रू बट नीड टू बी वैलिडेटेड एंड कंटिन्यूअली रिव्यूड ड्यूरिंग द आइटरेशन प्रोसेस एंड थ्रू आउट द रिस्क मैनेजमेंट वर्क रिलेटेड टू पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। दिस टेक्निक रिक्वायर्स 3 स्टेप्स। पहले लिस्ट डाउन करें सारी अजम्पशंस को, फिर उसको टेस्ट फॉर वैलिडिटी करें, और फिर आइडेंटिफाई इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो। यहाँ पे जनाब उसने अजम्पशन लिखी, कुड दिस अजम्पशन कंस्ट्रेंट प्रूव फॉल्स, यस और नो, इफ फॉल्स वुड इट इफेक्ट द प्रोजेक्ट, यस नो, एंड कन्वर्ट इट टू रिस्क। तो अजम्पशन अल्टीमेटली रिस्क में कन्वर्ट हो सकती हैं, ये उसकी एक उसने कंस्ट्रेंट अजम्पशन और कंस्ट्रेंट लिस्ट बना दी। Another way of approaching assumption constraint analysis is to use the following logical sequence. List the assumption constraint, test the assumption or constraint by asking 2 questions. Could the assumption be false? If false, would one or more objectives be effective? Where both questions are answered, yes, generate a risk. For example, in the form, assumption of the constraint may prove false, leading to this effect. फिर जनाब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का टूल आ जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ टेक्निक टू जनरेट स्पॉन्टेनियस आइडियाज इधर इंडिविजुअली आर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूज्ड एज अ ग्रुप रिस्क आइडेंटिफिकेशन मेथड द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ वन इंडिविजुअल सर्व टू स्टिमुलेट आइडियाज इन द अदर पार्टिसिपेंट्स। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग पे थोड़ी बात करें, मुझे बताइए जरा आपका क्या ख्याल है इमरान। सर ब्रेनस्टॉर्मिंग ये होता है कि हम लोग वो लेके बैठ जाते हैं एक आरबीएस या चेकलिस्ट या प्रॉम्प्ट और उसके ऊपर जो हम लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं, लेकिन जब वो डिस्कस करना शुरू होते हैं तो अगर तो कोई उसमें नेगेटिव वर्जन ऑफ सुहेल इकबाल बैठा हुआ है तो वो सारा जो है हाईजैक हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव वर्जन है तो सब ग्रुप थिंकिंग में चला जाएगा, पूर्ण ग्रुप थिंकिंग में चला जाएगा। मुझे ये बताओ इससे आइडिया जनरेट हो सकते हैं और अच्छी अप्रोच है, लेकिन फैसिलिटेशन अच्छी होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो आप बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट लिस्ट वाली, इसमें क्रिएटिव क्या है? There's nothing brain इसमें क्रिएटिव मतलब उसको हेल्प मिलता है उसको क्या कहते हैं आर्गुमेंट करने के लिए। तो वो क्रिएटिविटी थोड़ी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ये आप प्रॉम्प्ट लिस्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल डिफरेंट। जी बताइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, और इसमें बुनियादी तौर पे क्रिएटिविटी है। मैं आपको थोड़ी सी फिलॉसफी बता दूं कि बुनियादी तौर पे एक तो है लॉजिक, जो हमारा दिमाग जिसमें काम करता है, जिसपे हम ट्रेंड हैं, जो हमने एजुकेशन हासिल की है, चूंके चुनाचे का लॉजिक। हम हर चीज को अपने इलम की रोशनी में देखते हैं, और जो चीज हमारे इलम के अहाते में नहीं आती उसको हम सही नहीं मानते। मतलब हम इतने एरोगेंट हैं कि अगर सही कि मुझे एक चीज आती है और आपको वो चीज नहीं आती तो मैं कहूंगा तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, जैसे मैंने अभी कहा आपको। तो मतलब लॉजिक हमें कहता है कि ये यही तरीका है जो मैं जानता हूं, यही दुरुस्त है, इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है। अब आप कोई तरीका जानते हो, अपने लॉजिक से जानते हो, आप उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको निगेट कर दूंगा। ये वो वकीलों वाला मैकेनिज्म है। वकील अपने लॉजिक से एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
इसी तरह जब आप कुछ लोगों को एक प्रॉम्प्ट लिस्ट के इर्द गिर्द बिठा देंगे तो उन लोगों की कोशिश ये होगी कि वो उससे अपना मतलब निकालें और उसको डिफेंड करने की कोशिश करें, बट देन यू आर टेकिंग योर क्यू फ्रॉम द प्रॉम्प्ट लिस्ट विच ऑल टूगेदर फेल्स द होल पर्पज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग है जनरेशन ऑफ आइडिया, कोर आइडिया शुड नॉट बी बेस्ड ऑन लॉजिक। वो लॉजिक की बुनियाद पे आप नहीं करेंगे, ठीक है जी, वो लॉजिक की बुनियाद पे नहीं करना, वो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिविटी की बुनियाद पे करना है। अच्छा, इसकी वजह ये है, ये वाली डेफिनेशन परफेक्ट है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में जाएं जरा, किसके नीचे, मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था, इसका जो वो चार्ट बना हुआ ना, क्या नाम है, टेबल, हाँ ये वाला, इससे ऊपर होगा गालिबन, इससे ऊपर होगा, ऊपर पेज नंबर 72 है इसका, ये कौन सा पेज है, 30 चल रहा है, ये तो दूसरा है खास, जो वो बने हुए क्या कहते हैं वो टेबल्स बने हुए ना, हाँ अपेंडिक्स डी के जो टेबल बने हुए उस पे लिखा हुआ है, अगर आप क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में जाएं, यूज ऑफ स्ट्रक्चर ईजी फॉर एग्जांपल कैटेगरीज और आरबीएस। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्रिएटिविटी तो है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई आप फैसिलिटेशन के थ्रू इसकी सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट तो ले सकते हैं, लेकिन एक मिनट कहां है 72, मेरे ख्याल से मेरे पास नया वाला वर्जन है उसका, और उसके अंदर जो है ये 132 पेजेस ही हैं, और वो अपेंडिक्स डी पे। आप कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, ये जो स्टैंडर्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो उनकी पीएमआई की वेबसाइट पे नया पड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोग्राम अपना, दास स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं आप, दास स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं या प्रैक्टिस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, नहीं समझ आई, दास स्टैंडर्ड है, दास स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है जी, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड तो सर बहुत पुराना है, वो तो जो भी उनकी साइट पे पढ़ा है पुराना ही पढ़ा हुआ है, वो पुराना ही पढ़ा हुआ है, और वही तो मैं आपको पढ़ा रहा था अभी, जो मैं आपको स्लाइडे में दिखा रहा था वो मैं वही दिखा रहा था आपको, ठीक है ना, उसकी बात ना करें आप, वो भी यही बात लिखी हुई है बाय द वे, मैं उसके ऊपर भी चला जाऊंगा, आपने मुझे पता नहीं कहां पहुंचा दिया 30 पेज पे थे हम, अच्छा खैर, हाँ ये है ब्रेनस्टॉर्म। अच्छा देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की क्यों जाती है, हम कोई नए आइडियाज कॉइन करना चाहते हैं, और नए आइडियाज कॉइन हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारा लॉजिक खत्म हो गया है और नए आइडियाज आ नहीं रहे। अब नए आइडियाज लाने के लिए हमें थोड़ा सा बेवकूफ बनना पड़ता है, ठीक है जी, हमें जो चीजें लॉजिकली नामुमकिन है वो सोचनी पड़ती हैं, कि फर्ज करो यार रिस्क है कि एलियन आ जाएंगे आसमान से गिर के नीचे, तो मतलब ये कि जब कोई इस तरह का स्टूपिड आइडिया भी आता है तो हम उसे एंटरटेन करेंगे, दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम उसे एंटरटेन करेंगे और एंटरटेन करके लिख लेंगे कि व्हाट इफ एलियन कम्स, राइट, या जनाब कोई पता नहीं क्या, जो भी कोई अनहोनी भी है तो आप उसे लिख लें, लेकिन असल में होता यह है कि वो अनहोनी रिस्क नहीं होती, लेकिन जब उसको देख के लोग लाइट मूड में आते हैं और उस एलियन वाली एनवायरनमेंट को सोचना शुरू करते हैं, तो फिर एक बंदा बोलता है कि सर ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि एक इस तरह का कोई रोबोट किसी ने बनाया हो और वो आके ऐसे कर दे और उसकी वजह से ये चीज हो जाए, मतलब देन देयर इज सम लॉजिक एस्टेब्लिश्ड आउट ऑफ दैट इलॉजिक, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे हम जो कह लेना कि मैंने आपसे कोई मजाक किया, कोई लतीफा सुनाया आपको, उस लतीफे को सुन के आप थोड़े लाइट हार्टेड हो गए, आपको हंसी आई और साथ आपने एक कमेंट मार दिया, वो जो कमेंट आपने मारा दैट माइट बी यूजफुल फॉर अस, और उससे फिर तीसरा आदमी कोई और आइडिया निकालता है, चौथा कुछ और निकालता है, ये तो है स्पॉन्टेनियस ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग जब हम इधर करते हैं ग्रुप की सूरत में, जो इसने लफ्ज भी लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरेटिंग स्पॉन्टेनियस आइडियाज इधर इंडिविजुअली आर फ्रॉम ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए क्या करना पड़ता है कि ग्रुप ऑफ पीपल में हम
कोई ऐसा आइडिया फेंक देते हैं, कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना इनपुट फेंक देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने शायद आप लोगों को पहले एग्जांपल दी हो या ना दी हो, मैं आज क्लास में आता हूं और आते ही कोई एक अजीब सी बात का जिक्र कर देता हूं कि मैंने आज एक आदमी को देखा, वो लंगड़ा था और वो ऐसे चल रहा था, अचानक उसने छलांग लगाई और छत पे खड़ा हो गया जाके। तो मतलब कोई स्टूपिड सी बात जिसका कोई ताल्लुक हमारे कोर्स के साथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उसके बाद मैंने मजीद कुछ एक्सप्लेन किए बगैर पढ़ाना शुरू कर दिया। आप लोग सारे सोचते रह गए कि यार ये क्या अजीब सी बात की है, इसने इसका कोई ताल्लुक तो बनता नहीं है, बिला वजह फजूल बात कर दी है। तो बुनियादी तौर पे मैंने आपके लिए फोल्डर छोड़ा है कि आप उससे अपना आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग शुरू कर दे। अब होगा क्या, आप सुन तो मुझे रहे होंगे लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको वो स्टोरी चल रही होगी, वो बंदा आया, वो चला गया, उसने छलांग लगा दी और ये हो गया। तो वो जो कोई भी आपका दिमाग उसकी इख्तरा निकालेगा, उस इख्तरा से आपकी समझ, सोच और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे, और आप उससे मिलता जुलता कोई पॉइंट ऐसा देंगे जो कि अदरवाइज बड़ा यूजफुल होगा, और अगर वो बात ना होती क्लास के शुरू में तो वो बात आप ना कर सकते। एक सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं बैठा हुआ हूँ, अचानक बाहर एक हारन की आवाज आती है तो मैं चौंक जाता हूँ, क्लास में बैठा हुआ हूँ मैं सुन रहा हूँ और मैं चौंक जाता हूँ, यार ये हारन किसने बजा दिया, एक इनको तमीज नहीं है कि मतलब क्लासरूम के करीब हॉर्न बजा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो ये मेरे थॉट्स हैं, बाकी लोगों ने शायद नोटिस भी ना किया हो, लेकिन अब मैं वो लेक्चर भी सुनने की कोशिश करूँ और साथ साथ मैं कहूँ यार ये हॉर्न जो बजा है ना, तो उससे याद आया कि मेरी गाड़ी पता नहीं कहाँ पार्क मैंने की थी और उसमें कोई चोर ना आ गया हो, और अगर चोर आ गया हो तो मैंने वहां एक फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे रखी हुई थी, वो कहीं चोरी ना हो जाए। फाइल से याद आया कि यार मैंने तो वो फलाने रिटर्न्स भी आज जमा करवाने जाना था। तो इस तरह बात से बात आपके लॉजिक जो आपके दिमाग के अंदर है, मतलब वो आने शुरू हो जाते हैं, जो कि असल में इस आज के दिन में जो डिस्कशन हो रही है, जो क्लास हो रही है, उससे रेलेवेंट नहीं होते। और अब मैं अचानक आपसे पूछता हूं कि जनाब आपका क्या ख्याल है इस बारे में। अमूमन ऐसा होता है जब मैं पूछता हूं तो आप लोग सारे खोए हुए होते हैं। तो उस वक्त अब आप कहां पहुंचे हुए हैं, आप इंश्योरेंस ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और आप वो जो कोई भी कार्रवाई अपनी कर रहे हैं, और वहां से अब आप वापस एकदम जब मेरे पास आएंगे और मैंने आपसे पूछ लिया है कि यार ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, तो उधर आप जनाब उस इंश्योरेंस ऑफिस से जो बातें वहां हो रही थी, जो आपके जहन में चल रही थी, उनको किसी तरह से लिंक करने की कोशिश करेंगे इस करंट आइडिया के साथ, और आप यू विल कम अप विद समथिंग यूनिक एंड दिस इज एक्चुअली अप्रिशिएबल बिकॉज दैट आइडिया मे टर्न आउट टू बी अ न्यू रिस्क और समथिंग लाइक दैट। ये मेरा पॉइंट था। जहां तक आप वो बात करेंगे प्रॉम्प्ट लिस्ट, बेशक प्रॉम्प्ट लिस्ट में पार्शली ब्रेनस्टॉर्मिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहां तक प्रॉम्प्ट लिस्ट अवेलेबल है वहां तक तो सोचें, उसके अलावा कोई आइडिया आप लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, और कोई बताओ इस प्रॉम्प्ट लिस्ट के अलावा कोई बात बताओ, या इस प्रॉम्प्ट लिस्ट से क्यू पकड़ के कोई और बात बताओ। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग के साथ फिर वो भी है, क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं जो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, नहीं यार वो जो चार्ट पे बनाते हैं ब्रेन, एक तो ब्रेन राइटिंग होती है, एक ब्रेन माइंड मैपिंग, ब्रेन मैपिंग या माइंड मैपिंग भी कहते हैं उसको, ब्रेन मैपिंग भी कहते हैं। माइंड मैपिंग का तो पता है ना आपको? जी सर, माइंड मैपिंग आइडिया से आइडिया जो सर ट्री की फॉर्म में निकला। हाँ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल वही है जो WBS का आइडिया है, लेकिन WBS में तो ऊपर रखते हैं ना आप प्रोजेक्ट और फिर बार को खोलते हैं, इसके अंदर पेज के सेंटर में आप आइडिया लिख देते हैं और उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो उसके इर्द गिर्द लिख देते हैं और उनको कनेक्ट कर देते हैं, फिर उनसे रिलेटेड जो फर्दर आइडियाज होते हैं वो उसके आगे लिखते हैं, तो इस दायरे की सूरत में वो चीज फैलती चली जाती है। और ये एक इतना जबरदस्त टूल है, इसको हम मीटिंग मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, WBS बनाने के लिए भी, कोई आप मजमून लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सी जगहों पे ये चीज इस्तेमाल होती है। और आई डोंट नो अगर आपके पास माइंड मैपिंग का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, आपने कभी देखा है कोई माइंड मैपिंग का सॉफ्टवेयर?
नहीं सर, कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। नहीं सर, मेरे पास तो नहीं है। अभी आप इस वक्त अपने मोबाइल के ऊपर एप्स में सर्च करें प्रोडक्टिविटी के अंदर माइंड मैपिंग, इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और ये आपके नॉर्मल प्रोडक्टिविटी वाले काम है कि जी मैं बैठा बैठा नोट्स ले रहा हूँ और उसके अंदर वो चीजें जो भी बन रही हैं उधर वो बनाते जा रहे हैं और घर आके वो आपके आप उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। खैर इसको आप देखिएगा, ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा मैं क्यों मैंने ब्रेन राइटिंग की बात की, क्योंकि इससे एक मिलती जुलती चीज है ब्रेन मैपिंग की बात की या माइंड मैपिंग की बात की, क्योंकि इससे एक मिलती जुलती चीज है ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं कि हर बंदे को कहते हैं कि तुम अपना अपना आइडिया लिखो, और वो अपना आइडिया लिखता है, जो कोई स्टोरी है या जो भी कुछ है वो लिखता है और अगले बंदे को पास कर देता है। इस तरह हर बंदा अपने अगले बंदे को पास करता है, अगला बंदा उसको पढ़ता है और उससे उसको जो समझ आई होती है अपने दिमाग के हिसाब से वो उसको एक्सप्लेन करता है, फिर ये चीज उससे आगे ट्रांसफर कर दी जाती है, उससे अगला बंदा उसे अपने तरीके से। तो ये बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है। हमें ये अमेरिका में जब हम लीडरशिप कर रहे थे तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने ये करवाई थी। उसने क्या किया कि हम सबको कहा कि तुम ऐसा करो कि तस्वीरें रखी हुई थी बहुत सारी एक मेज के ऊपर, मुख्तलिफ रैंडम पिक्चर्स थी। उसने कहा कि जी एक एक तस्वीर सारे बंदे उठा के ले जाएं। हम अपने राउंड टेबल के ऊपर कुछ 6 लोग थे। उसने कहा जी इस स्टोरी को देख के, सॉरी इस पिक्चर को देख के कोई स्टोरी बनाओ, आपको क्या स्टोरी जेन में आती है वो स्टोरी आप बनाएं और वो स्टोरी जो है आपने सुनानी है सबको, ठीक है, और उसके बाद आप पिक्चर्स एक्सचेंज कर लें और उसके बाद फिर दोबारा एक और स्टोरी बनाएं और वो सुनाएं। और इस तरह 2-4 राउंड जब हमने लिए तो हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि हर एक बंदा हर एक तस्वीर को कई कई रंगों में पेंट कर रहा था, हर एक बंदे का एक अलग व्यू था। और जब हम ये एक दूसरे को सुनाते हैं तो उससे क्या फर्क होता है कि दूसरों के माइंड भी तरोताजा होते हैं, वो भी एनरिच होते हैं। जबकि ये जितनी एक्सरसाइज है ये मुकम्मल तौर पे अहमकाना एक्सरसाइज है, कोई लॉजिकल एक्सरसाइज नहीं है ये, दिस इज क्लासिकली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की एक्सरसाइज है। इसको हम कहते हैं कि ये आपकी ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं। और वो जो आप नॉमिनल ग्रुप की बात कर रहे थे, नॉमिनल ग्रुप भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की टाइप है, मतलब वो क्लासिकली आप उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कह सकते, लेकिन नॉमिनल ग्रुप के अंदर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं, ठीक है जी। सो व्हेन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज यूज्ड एज अ ग्रुप रिस्क आइडेंटिफिकेशन मेथड, द आइडियाज एंड थॉट्स ऑफ वन इंडिविजुअल सर्व टू स्टिमुलेट आइडियाज इन द अदर। वो जो बात हम दूसरी कर रहे थे वो ये थी कि वो था ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक था कि आप अपने से ज्यादा बड़े या बुजुर्ग आदमी या अपने से सीनियर आदमी से मुतासिर होके अपना आइडिया बदल लेते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप थिंक, और वो तो बहुत बुरी चीज है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हो रहा है कि हम सारे इक्वल फुटिंग पे बैठे हुए हैं और अपनी अपनी छोड़ रहे हैं, ठीक है जी, और हम एक दूसरे से क्यू पकड़ रहे हैं अपने आइडियाज को फर्दर आगे बिल्ड करने के लिए। इसको कहते हैं गप, बात से बात निकलना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो हम कहते हैं दोस्तों के साथ बैठ के गपशप लगाते हैं, आप उसमें बड़ा लाइट हेडेड फील करते हैं, दरअसल वो करनी चाहिए, वही ब्रेनस्टॉर्मिंग है। लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा क्या कहते हैं किसी मकसद के हिसाब से टाई अप करने तो वो ये चीज बन जाती है। कॉज एंड इफेक्ट्स मेरे ख्याल है आप सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ हैं, क्यों जी कोई एक्सप्लेन करेगा कॉज एंड इफेक्ट को? जी जनाब, इसका एक बड़ा अच्छा डायग्राम बना होता किसी भी चीज का। हाँ जी बोलिए। फिश बोन वाला सर डायग्राम, जो फिश बोन वाला होता है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, फिश बोन वाला डायग्राम। जी सर, जी सर, किसी भी इफेक्ट को देखते हुए सर उसके पीछे जो उसकी कॉजेज है उसको मतलब जांचते हुए उसकी रूट कॉज तक पहुंचना किसी भी, तो वो कॉज एंड इफेक्ट का मेन पर्पज है। और अगर इसी इसी को मैं जरा क्या कहते प्रोएक्टिव कर दूं, मैं कहूं कि क्या क्या बुराइयां हो सकती हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, और मैं उसको बैकवर्ड ट्रेस करूं तो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाऊंगा, कॉज रिस्क इफेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगी चीज। ओके सर, ठीक है ना, तो ये वही चीज है कॉज रिस्क इफेक्ट।
क्या आप कहें कि यार क्या अगर ऐसा हुआ तो इसकी क्या काज हो सकती है, इसके अंदर क्या रिस्क हो सकता है, यू कैन फॉर्मुलेट रिस्क आउट ऑफ इट. फिर क्या है अगला, चेकलिस्ट है. चेकलिस्ट में पहले से लिखे हुए रिस्क होते हैं हमारे पास और उनमें से क्रॉस चेक करते हैं, यार ये हम पे अप्लाई करता है नहीं करता, करता है नहीं करता, इस तरह हम आगे चलते जाते हैं. मतलब एक लंबी सी लिस्ट होती है और उसके हिसाब से चलते हैं. अब मेरे पास वो लिस्टें मौजूद नहीं है. बेसिकली जो मैक्स वाइडमैन की किताब है उसके एंड पे भी लगी हुई है और रीटा की किताब के एंड पे भी लगी हुई है, लंबी चौड़ी लिस्टें रखी हुई है. अच्छा जी, डेल्फाई टेक्निक तो पता है, ये तो बहुत इस्तेमाल किया आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में. इमरान, रिमूव करने के लिए यूज होती है, एनोनिमस जो है वो फैसिलिटेशन के थ्रू जो है वो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को लेता है. ये ग्रुप थिंक को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, ग्रुप थिंक को जी अवॉइड करने के लिए और एनोनिमिटी लाने के लिए. और इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के आइडियाज एंटरटेन हो और ओरिजिनल आइडियाज एंटरटेन हो और उसमें कोई रोक ना हो, कोई मतलब ये ना हो कि कोई स्नब ना करे किसी को. तो उसका जो ट्रेडिशनल तरीका है डेल्फी का वो तो ये है कि लोगों से हम बाय पोस्ट या वो मंगवाते हैं उनके उनके उनका पॉइंट ऑफ व्यू, और उस पॉइंट ऑफ व्यू जब सब लोगों का आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समराइज करके एक पॉइंट सारे जो सब लोगों के आए होते हैं उनको एक एक जगह पे लिख लेते हैं. और विदाउट राइटिंग के ये किसने लिखा है, कौन सा पॉइंट किसकी तरफ से आया है, ये दोबारा सर्कुलेट कर देते हैं उन तमाम लोगों को. और उन्हें कहते हैं कि इनमें से फर्ज करें कि आप इनको ग्रेड कर दें या नंबर कर दें या जो बेस्ट पॉइंट है 10 बेस्ट पॉइंट है वो पिक करके हमें बता दें, और कोई नया आइडिया है तो वो भी लिख दें. इस तरीके के साथ जब वो जवाब वापस आते हैं तो फिर एक और कंपाइलेशन होती है. और ये कंपाइलेशन उस वक्त तक होती रहती है जब तक के सारों की तरफ से एक ही पॉइंट्स ना आ जाएं. इसमें ये कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली कंसेंसस बिल्ड हो जाता है. नॉर्मली 3 से 4 राउंड्स में तकरीबन कंसेंसस बिल्ड हो जाना चाहिए, 3 राउंड्स के अंदर हो जाता है. लेकिन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कम से कम जो मेजर आइटम्स हैं उनका पता चल जाता है तो हम टॉप से के 10 आइडियाज उठा लेते हैं. तो दिस इज व्हाट इज द पर्पज. और डेल्फी को क्या और इसका नाम है, कौन सी डेल्फी, एंड जो इसकी फास्ट फास्ट डेल्फी भी है. इसकी फास्ट डेल्फी में ये है कि हम बजाय इसके कि लोगों को खत लिखें और वो सब कुछ करें, हम के आमने सामने बैठे हुए लोगों से डेल्फी करवाते हैं. और इसके अंदर हम ये करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप आइडिया बोलेंगे नहीं, आप कागज पे लिख के दे दें, और फिर उनके आइडियाज को हम शॉर्ट करके लिख देते हैं और फिर उन्हें कहते हैं इस पर वोटिंग करो. तो यहाँ पे वो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक भी इस्तेमाल हो गई और उसके साथ दूसरी चीज होती है तो वो भी इस्तेमाल हो गई. तो अल्टीमेटली हम उसको उसके हिसाब से वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाते हैं. और इसके लिए टाइम बड़ा थोड़ा लगता है, खड़े खड़े को 20 मिनट के अंदर अंदर सारा काम होके सिलेक्शन भी हो जाती है डेल्फी में. डॉक्यूमेंट रिव्यूज हैं, स्ट्रक्चरल रिव्यू मे बी परफॉर्म्ड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग प्लान्स, अजम्पशंस, प्रायर पोर्टफोलियो प्रोग्राम और प्रोजेक्ट फाइल्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, क्वालिटी ऑफ द प्लान्स एज वेल एज कंसिस्टेंसी बिटवीन दीज प्लान्स एंड द अजम्पशंस कैन बी इंडिकेटर्स ऑफ रिस्क. क्या हुआ, एक्सपर्ट जजमेंट को हम जानते हैं. फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन मीटिंग्स में भी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी करता है. ये सर्वेंट लीडर वाले काम होते हैं फैसिलिटेशन के, कि आप लोगों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि जिसमें वो बेहतर काम कर सके, ठीक है ना. फैसिलिटेट करना सर्वेंट लीडर वाला काम है. इज दी एबिलिटी टू इफेक्टिवली गाइड अ ग्रुप इवन टू अ सक्सेसफुल डिसीजन सोल्यूशन और कंक्लूजन. अ फैसिलिटेटर इंश्योर्स दैट देयर इज अ इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड दैट ऑल कंट्रीब्यूशंस आर कंसिडर्ड. जनाब हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है. प्रॉम्प्ट लिस्ट की आप बात कर रहे थे. प्रॉम्प्ट लिस्ट इनुमरेट रिस्क कैटेगरीज विद द पर्पस ऑफ डिटेक्टिंग द मोस्ट रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट प्रोग्राम आर पोर्टफोलियो. अ प्रॉम्प्ट लिस्ट कैन बी यूजफुल एज अ फ्रेमवर्क ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इंटरव्यूज. कैटेगरीज ऑफ रिस्क इंक्लूड टेक्निकल रिस्क, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, एक्सटर्नल रिस्क. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिस्ट, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ देम. ये जैसे इसने यहाँ पे किया हुआ है, नहीं ये तो कुछ और किया हुआ है. ये है 3 well-known examples ऑफ, अच्छा प्रॉम्प्ट लिस्ट ही है ये, दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन.
यार प्रॉम्प्ट लिस्ट का आप यूं समझ लें कि जैसे वो नहीं होता, आपने कीवर्ड्स रखे होते हैं, कीवर्ड आप बना लेते हैं ना लोग रात याद करने के लिए, ये वो कीवर्ड है, ऐसे ही कंफ्यूज किया हुआ है इसने, उसके वजह आप याद कर लें जी पेसले टेक ऑफ स्पेक्ट्रम, और उससे जनाब आप कहें जैसे पेसले एनालिसिस कराना है, चलो जी पी पेसले से बनता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक फलाना फलाना, तो मैं फिर इस तरह से इसका एनालिसिस करूंगा। ये इवन इट इज नॉट एज गुड एज द चेकलिस्ट, ये चेकलिस्ट से भी अच्छी चीज नहीं है, ये बस ऐसे ही बस जो खास एक एनालिसिस करना है उसके लिए। क्वेश्चनेयर बहुत अच्छा टूल है, रूट कॉज एनालिसिस, क्या जी एग्जांपल ऑफ अ रूट कॉज एनालिसिस, दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। इसमें जनाब वो कहते हैं जी अच्छा इग्नोरिंग फेज एंट्री प्री रिक्विजिट्स, उसकी क्या वजह हो सकती है, इनकोरेक्ट रिपोर्टिंग, इनकोरेक्ट रिक्वायरमेंट, इनकोरेक्ट रिपोर्टिंग किस वजह से, मिसट्रस्ट। देखा जाए तो ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे फिश बोन था, लेकिन ये जरा इसका बनाने का तरीका डिफरेंट है। स्वॉट एनालिसिस है, ये भी आपको पता है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये वही डायग्राम आ गया जी जो मैंने आपको अभी दिखाया था इंपैक्ट वाला। ये वही चीज बन रही है, दिस इज दैट चार्ट, प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट मैट्रिक्स बन गया। इसके ऊपर आपने अपने रिस्क चढ़ा देने हैं, और रिस्क चढ़ाने के बाद आप जो चुने हुआ एरिया है, जो एच वाला एरिया है, उसको चुन लेंगे, उसको पिक कर लेंगे उसमें से। और कौन सा टूल है जी? अच्छा ये कौन सा है जी, असेसमेंट ऑफ अदर रिस्क पैरामीटर्स। हाँ ये बात थी, ये मैं ढूंढ रहा था, ये मेरी प्रेजेंटेशन में था लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जी, असेसमेंट ऑफ अदर रिस्क पैरामीटर्स। कहते अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क इन एडिशन टू प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, कहते प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जिनको देखने की जरूरत होती है, उन पैरामीटर्स को भी देखें। मतलब प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन समटाइम्स देर आर अदर थिंग्स विच कैन एड वैल्यू। ये क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? एक तो है अर्जेंसी, अर्जेंसी वो जो कहते हैं ना कि अपना एमरजेंट रिस्क है, एक रिस्क है जो अभी आइडेंटिफाई हुआ है और अभी दो मिनट के बाद फट जाएगा। मतलब आई मीन टू से एक रिस्क जो अननोन अननोन था, वो अभी अपना नुकसान करने से जरा ही पहले आइडेंटिफाई हुआ है और हमारे पास बहुत ही शॉर्ट टाइम है उसको एड्रेस करने का, अगर कोई हल निकालना है तो फटाफट निकालो। तो इसको हम एक तो जो नॉर्मल प्रोसीजर में डाल नहीं सकते, इसको फौरी तौर पे एक्शन करना होता है, इसके लिए अर्जेंसी बहुत रिक्वायर्ड होती है। द पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच आर रिस्पॉन्स टू अ रिस्क इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, अ शॉर्ट पीरियड इंडिकेट्स हाई अर्जेंसी, जितना कम टाइम होगा उतनी ज्यादा अर्जेंसी होगी, तो ये अर्जेंट अर्जेंट रिस्क होते हैं। फिर प्रॉक्सिमिटी, पीरियड ऑफ टाइम बिफोर आर रिस्क माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब वो हमसे कितना दूर है, शॉर्ट पीरियड इंडिकेट्स हाई प्रॉक्सिमिटी, अगर वो रिस्क हमारे करीब पहुंचने वाला है तो इसका मतलब है वो हमारी प्रॉक्सिमिटी में है। डिटेक्टेबिलिटी, द ईज विद विच द रिजल्ट्स ऑफ अ रिस्क अकरिंग आर बीइंग अबाउट टू अकर कैन बी डिटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द रिस्क अकरेंस कैन बी डिटेक्टेड इजीली, हम कहते हैं कि ये डिटेक्टेबल है। डॉर्मेंसी, जैसे एक आतिशफिशा डॉर्मेंट पड़ा होता है, द पीरियड ऑफ टाइम दैट मे एलैप्स आफ्टर अ रिस्क हैज अकर्ड बिफोर इट्स इंपैक्ट इज डिस्कवर्ड, कितनी देर बाद पता चलता है कि इसने क्या नुकसान कर दिया है, शॉर्ट पीरियड इंडिकेट्स लो डॉर्मेंसी, लंबे अरसे के बाद जो डॉर्मेंट जो जागता है उसकी आप कहते हैं कि जी हाई डॉर्मेंसी। मैनेजेबिलिटी, क्या इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है, द ईज विद विच अ रिस्क ओनर आर ओनिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज द अकरेंस और इम्पैक्ट ऑफ अ रिस्क व्हेन मैनेजमेंट इज इजी, हम कहते हैं मैनेजेबिलिटी इज हाई। कंट्रोलेबिलिटी, वो रिस्क जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, द डिग्री टू विच अ रिस्क ओनर और ओनिंग ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू कंट्रोल द रिस्क आउटकम व्हेन द आउटकम कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, कंट्रोलेबिलिटी इज हाई। फिर है कनेक्टिविटी, द एक्सटेंट टू विच अ रिस्क इज रिलेटेड टू अदर इंडिविजुअल रिस्क, जिसकी बाकी रिस्कों के साथ उसका कितना रिलेशन है, व्हेन अ रिस्क इज कनेक्टेड टू मेनी रिस्क कनेक्टिविटी इज हाई।
स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है जी, पोटेंशियल फॉर अ रिस्क टू हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स व्हेन अ रिस्क हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन स्ट्रेटेजिक गोल्स स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इज हाई. फिर स्टेक होल्डर इम्पैक्ट, डिग्री टू विच रिस्क इज परसीव टू मैटर बाय वन और मोर स्टेक होल्डर्स. व्हेन अ रिस्क इज परसीव एज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर इम्पैक्ट इज हाई. अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक दो स्टेक होल्डर समझ रहे हैं कि ये रिस्क जो है ना ये बहुत हाई है, जबकि असल में वो हाई नहीं है. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जब स्टेक होल्डर उसको वेरी हाई समझ रहे हैं तो हमें भी समझना पड़ेगा. ठीक है जी, तो वो परसेप्शन के ऊपर है ये. एट द डिग्री टू विच अ वर्क अ रिस्क इज परसीव्ड टू मैटर बाय वन और मोर स्टेक होल्डर, तो हमें अगर ज्यादा लोग उसको परसीव हाई करते हैं तो हमें भी उनका एहतराम करना पड़ेगा. चले जी, सिस्टम डायनेमिक्स हमने यहां पे बात की है और ये हम कल देखते हैं इसको भी, और वो कल जो हमने पोर्शन छोड़ा था उसको भी. ठीक है जी, ये नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो आप कर रहे थे सर, सो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक सर वही है जिसमें वो स्लिप पे लिख के मतलब सबको बोलते हैं कि स्लिप पे आइडियाज लिख दे यार, देन उसको अटैच करते हैं मतलब और उन आइडियाज. बिल्कुल बिल्कुल वही है, स्लिप पे आइडियाज लिख के वो सामने बोर्ड पे लगा देते हैं, फिर उनको सॉर्ट किया जाता है और उसके बाद उनको वैल्यूज दी जाती है. इसमें ये दो टेक्निक्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है. पहली वाली जो है वो वाली उसको क्या कहते हैं यार, मुझे नाम दोनों के मिक्स हो रहे हैं, एक को नॉमिनल ग्रुप कहते हैं और एक जिसके अंदर उसकी उसकी पोजीशनिंग की जाती है उसको कुछ और कहते हैं, या उसको शायद नॉमिनल कहते हैं और छोटी वाली को कुछ और कहते हैं, मतलब इस तरह का कुछ है, मेरे ज़हन से निकल रहा है, मगर चीजें वही हैं जो आपने अभी हमने डेल्फी में बात की है वही चीज है. ओके सर, चलें जी फिर, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, कल इंशाल्लाह मिलते हैं इसी टाइम पे. सर कल मैंने ट्राई करूंगा सर, कल आज ट्यूसडे था ना सर, वो जो एक छुट्टी की मैंने बात की थी सर आपसे. ओके ओके, कल मुझे मस्कत जाना है एक्चुअली, तो कल क्लास नहीं करते ना, परसों कर लेंगे. जी सर, मैं कल रात को ट्रैवल करूंगा, सॉरी मुझे एक्चुअली पहले मैं ट्यूसडे समझ रहा था लेकिन कल वेनसडे को, कल सर ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे इवनिंग, सॉरी कल ट्यूसडे इवनिंग को भाई ने आना. जी सर, कल ट्यूसडे की मैंने आपसे बात की थी ना सर. जी जी, कल नहीं करेंगे हम क्लास इंशाल्लाह सर. तो फिर बाकी सर कितने लेक्चर इसके रहेंगे इंशाल्लाह? बस तकरीबन खत्म ही हो गया है, थोड़ा सा करके फिर क्वेश्चंस करते हैं और देन यू आर ऑन योर ओन. ठीक है सर, क्योंकि टूल्स एंड टेक्निक डिस्कस करनी है और बाकी जो हमारा ये है पीएम बॉक का जो रिस्क का जो आइडेंटिफाई से आगे रहा था वो डिस्कस करना है सर. बिल्कुल एग्जैक्ट इंशाल्लाह सर. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, खुदा हाफिज़.